तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं दिल्ली को जाना इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब आप आपका दोस्त गौरव टेक्स डॉट कॉम पर स्वागत करता है तो दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल या फिर जो सी के एग्ज़ाम हो चुके हैं अब उसके बाद जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसी बेसिस पे अब हमें तैयारी करनी होगी और अब आपको पता है ज़्यादा समय बचा नहीं है इसलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर करेंगे एस एस पर आखिरी बार मतलब आखिरी बार मतलब अब दोस्तों आज के समय में अगर आपने पूरा रिवाइज नहीं किया है तो आज हम यहाँ पे करने वाले तीन घंटे की क्लास कब दोस्तों तीन घंटे की क्लास मतलब यहाँ से दस से एक बजे अब हम उठेंगे सिर्फ तभी जब हमारे लंच का टाइम हो जाएगा ठीक है तो एक बार सभी को कहना चाहूंगा कि भाई पानी का बोतल ले लेना अपने साथ कोई और बोतल मत लेना सिर्फ वो सिर्फ पानी का लेना नहीं तो नींद आ जाएगी ठीक है ये याद रखे और तैयारी भैया तगड़ी कर लीजिए जितना प्रैक्टिस हो सके दोस्तों आज कर लीजिए क्योंकि आज हो गई है दोस्तों आपकी बाईस तारीख ठीक है अब आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ तेईस तारीख और फिर चौबीस से स्टार्ट है आपके सी के एग्जाम तो दोस्तों अब वो समय आ गया है कि अब ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है सिर्फ आपको रिवाइज करनी है बेसिक चीज़ें सारी रिवाइज करके जाइए देखिए अभी क्या था कि आप हार्ड पेपर तो तैयार कर ही रहे हो ठीक है लेकिन बेसिक चीज़ें उसके साथ रिवाइज किए कि नहीं किए वो सारा कुछ आज अपन यहाँ पे करने वाले तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को ममता जी गोडाउन विजय ऋतिका अजय सबको गुड मॉर्निंग और एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर इस सीरीज को भैया तीन घंटे की क्लास है धार मत मानिएगा देखते हैं को, कितने लोग स्टार्ट से एंड तक जाते हैं इस जंग में क्योंकि देखिए जीतेगा वही जो शुरू से अंत तक टिका होगा देखिए स्टार्ट सब कोई ही करते हैं बीच में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं लेकिन अंत तक जो टिकेगा वही विजेता होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहां पर अपना कोट है सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है रास्ता भी खुद ही बनाना है सीधी सी बात है दोस्तों सिर्फ हमें एक मंजिल पर जाके तो टिकना नहीं है कि भाई यहाँ पे सीढ़ी बनाई और चले गए पे दोस्तों आसमान मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है सबसे बड़ा उधर पर हमें पहुंचना है तो रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ेगा सिर्फ आपको गाइड किया जा सकता है आपके मम्मा पापा फैमिली गुरु जो भी है आपके वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे लेकिन रास्ता आपको ही बनाना है और उस पर चलना भी आपको है रास्ता देखिए कितना भी कठिन क्यों ना हो डेस्टिनेशन सुहाना होना चाहिए ठीक है तभी मजा आएगा तो चलिए दोस्तों इसलिए टेक्सट बुक आपके लिए लेकर आया है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर क्या विन विन ऑफर आपके लिए तो दोस्तों जहां पर आपको 399 में 12 महीने के लिए पास मिलता था अब 18 महीने के लिए मिल रहा है मतलब 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है जहां पर एक नहीं 500 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो 37000 मॉक टेस्ट के साथ और दोस्तों इस पे भी आप लगा सकते हो कूपन कोड मतलब ऑफर गेम पास क्या दोस्तों G A M P A SS, इस ऑफर को लगाते ही आपको क्या लगेगा टेन परसेंट का ऑफर मिल जाएगा कोड इसको यूज कर लीजिएगा में से किस नदी पर स्थित है ताप्ती नदी चंबल नदी नर्मदा नदी और सोन नदी जल्दी से बताइए कौन सी नदी पर है फटाफट फड़ से यहाँ पे अलोन कह रहे हैं सर सी ऋतिका सी के साथ ओके खिलाड़ी सी के साथ चलिए बहुत बढ़िया यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर नर्मदा नदी अब दोस्तों सरदार सरोवर डैम की बात की गई है तो नर्मदा नदी नर्मदा नदी निकलती कहां से दोस्तों हर चीज देखते हुए चलिएगा दोस्तों अमरकंटक से निकलती है ठीक है इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों वन थ्री वन टू किलोमीटर है ठीक है दोस्तों ये कहां, -कहां से होके जाती है गुजरात से होके जाती है थोड़ा सा महाराष्ट्र में फिर उसके बाद मेन एमपी में ठीक है एमपी से निकलती है अमरकंटक से ठीक है इसकी लेंथ वन थ्री वन टू किलोमीटर है दोस्तों ताप्ती नदी पे कौन सा डैम है उकाई डैम है कौन सा है दोस्तों उकाई डैम है चंबल नदी पे दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताइए राणा सागर है कौन सा दोस्तों राणा सागर या और गांधी सागर ठीक है और कौन सा है दोस्तों जवाहर सागर ठीक है ये कहाँ पर है ये है आपके चंबल नदी पे ठीक है अगर सोन नदी की बात की जाए तो इस पे कौन सा है जल्दी से बताइए सोन नदी पे कौन सा डैम है फटाफट से बताइए हाँ उस पर तो कई डैम है तापी पे बहुत बढ़िया जल्दी से कहेंगे और बहुत बार पूछा भी जाता है सोन नदी पे कौन सा डैम है तो आपको बताना है फटाफट से बताइए हाँ ठीक है बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों बाण सागर क्या दोस्तों बाण सागर डैम जो है वो आपको सोन नदी मिलेगा सोन नदी कहां से निकलती है दोस्तों सोन नदी निकलती है अमरकंटक से ये भी अमरकंटक से निकलती है याद रखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो विंध्या और सतपुड़ा के बीच बहती है किसके किसके बीच सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहती है ठीक है ये याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्या के बीच बहती है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है मध्य प्रदेश में है हरियाणा में है गुजरात में है या फिर कर्नाटक में है फटाफट बताइए कर्नाटक कह रहे हैं कर्नाटक कर्नाटक तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है कर्नाटक अच्छा दोस्तों इसको बनाया कब गया था नाइनटीन सेवेंटी फोर में बनाया गया था कहाँ पर है ये चरमजा नगर में कहा पे चरमजा नगर में चरमजा नगर एक क्या है उसकी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की वहां पर है आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है नौ नौ से भी ज्यादा आपको यहां पे नेशनल पार्क मिल जाएंगे जैसे कि कान्हा ठीक है दोस्तों नोट डाउन करते चाहिए काना माधव ठीक है सतपुड़ा पन्ना ठीक है ऐसे करके बहुत सारे हरियाणा में दोस्तों कौन सा मिलेगा दोस्तों जल्दी से बताइए सुल्तानपुर सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा ठीक है गुजरात में दोस्तों आपको कौन सा मिलेगा वांसदा ये दोस्तों वांसदा जो है ना ये पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में वांसदा नेशनल पार्क पूछा जा चुका है वांसदा नेशनल पार्क है गिर है ब्लैकबक है ठीक है दोस्तों ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे आगे बढ़े बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही हैज द एज ऑफ डैश भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल रूप में नियुक्त के लिए तब तक पुत्र सॉरी uh, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ग की आयु पूरी नहीं कर ली हो पैतीस चालीस पचास और पैंतालीस पैंतीस पैतीस पैतीस तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका पैतीस दोस्तों अपन ने कैसे पढ़ा था अगर आप देखिए अगर आप पच्चीस साल के हो तो आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो पच्चीस साल के हो अगर हो गए हो ठीक है अगर तीस साल के हो तो आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हो पैंतीस साल के हो तो आप क्या कर सकते हो प्रेजिडेंट किसका दोस्तों प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो और गवर्नर का इलेक्शन लड़ सकते हो बिल्कुल सही है और दोस्तों अगर आप 21 साल के हो कितने दोस्तों 21 साल के हो तो आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हो किसका पंचायत का और बोले सर अठारह साल वाले तो अठारह साल वाले कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ वोट दे सकते हैं ठीक है सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकते हैं आगे बढ़े चलिए तो याद रखिएगा ये आपसे उम्र पूछ ली जाती है पंचायत के लिए कितनी उम्र चाहिए लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए ये उम्र पूछ ली जाती है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं शादी कर सकता हूं शादी तो 21 साल पे हो जाएगी ठीक है 18 पे क्या करोगे 18 पे से वोट कर सकते हो शादी भी नहीं अगला क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है गॉडविन गोडविन कंचनजंगा नंदा देवी और नन ऑफ दबो जल्दी से तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए यहाँ पे कर दोस्तों के टू के टू लोग कह रहे हैं के टू ऑप्शन में नहीं दिया फिर भी के टू के टू कह रहे तो चलिए वो मतलब कहना चाह रहे हैं सर गॉडविन ऑस्टिन ठीक है गॉडविन ऑस्टिन भैया इसको अपन के टू भी कहते हैं क्या कहते हैं के टू कहते हैं ये सेकंड हाईएस्ट है इसकी हाइट दोस्तों कितनी है एट सिक्स वन वन मीटर है कितनी है एट सिक्स वन वन कंचनजंगा दोस्तों आपको सिक्किम में मिलेगा कहाँ पे सिक्किम में मिलेगा ये थर्ड हाईएस्ट है इसकी हाइट कितनी है दोस्तों 8, 5, 9, मीटर है कितनी 8, 5, 9, नन, नंदा देवी दोस्तों आपको उत्तराखंड की तरफ मिल जाएगा इसकी हाइट दोस्तों से है। कितनी है सेवन एट वन सिक्स मीटर है ये याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और गॉडविन ऑस्टिन आपको दोस्तों ये पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है ना अपना कश्मीर वाला उधर पे है ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डैश कंप्यूटर्स आर इन बिग कंप्यूटर लाइक इंश्योरेंस बैंकिंग वेयर पीपल हैव टू यूज द सेम डेटा रिपीटेडली डैश कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं और जैसे बीमा कंपनियों को बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहां कई लोगों के बार बार आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर और नैनो कंप्यूटर यहां पर कह रहे सर सुपर कंप्यूटर सुपर एक बात बताइए दोस्तों यहाँ पे आप लोग सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं करेक्ट आंसर मेन फ्रेम है सुपर कंप्यूटर पता है सुपर कंप्यूटर बहुत तेज होता है उसको हम कैलकुलेट कहां पे करते हैं भैया यूज कहां पे करते हैं जब आपको वेदर फोरकास्टिंग करनी हो स्पेस में जब यूज करना हो तो तब होता है सुपर कंप्यूटर कहां पे जैसे स्पेस की कोई कैलकुलेशन करनी है वेदर फोरकास्टिंग करनी है जैसे अपने इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन है परम है ठीक है मिनी कंप्यूटर दोस्तों ये क्या होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं जो अपन ग्रेजुअली यूज करते हैं ठीक है थीके? जैसे घर पे लैपटॉप वगैरह यूज करते हो वो मिनी कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर दोस्तों बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं स्मॉल कंप्यूटर होते हैं स्मॉलेस्ट कंप्यूटर ठीक है आगे बढ़े चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों मैच द फॉलोइंग एक तरफ दोस्तों अवार्ड दिया गया है दूसरी तरफ आपको म्यूजिक दिया हुआ है सॉरी यहां पे कबीर होगा ठीक है कबीर अवार्ड अवार्ड मैथिली शरण गुप्त ललिता सॉरी लता मंगेशकर और कुमार गंधर्व अवार्ड दोस्तों इधर पे एक लाइन आ गई है क्लासिकल म्यूजिक इधर पे आ गया ये म्यूजिकल इधर पे होगा ठीक है म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक फिर इंडियन पोएट्री इधर होगी पोएट्री इधर होगी ठीक है यहां पे आपको आपको बताना है करेक्ट करके जल्दी से बी ऑप्शन बी ऑप्शन सभी लोग कह रहे हैं बताइए दोस्तों सिंपल सी बात है यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अपना सब लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन तो देखते कौन सा है तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन है कैसे ऑप्शन है चलिए देख लेते लत, हैं तो हमें म्यूजिक में मिलता है किस में मिलता है थ्री का डी होना चाहिए तो थ्री का डी ऑप्शन नंबर वन और टू में है ठीक है चलिए एलिमिनेट मारिए बाकी को दोस्तों आपको ये भी पता होगा मैथिली शरण गुप्त जो है वो किसके लिए हिंदी के लिए फेमस थे किसके लिए थे हिंदी के लिए तो हिंदी यहाँ पे टू सी होना चाहिए टू सी ऑप्शन वन में है तो यहाँ पे ये गलत होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा द तो फाउंडर ऑफ खालसा पंथ वॉस खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक जी अर्जुन देव जी गोविंद सिंह और तेग बहादुर जल्दी से बताइए कौन थे अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना यहाँ पे आपको प्राइस भी पूछ लेता है कई बार आपको यहाँ पे प्राइस भी पूछ लेते हैं तो आपको प्राइस याद रखना है लता मंगेशकर में दोस्तों कितना मिलता है पांच लाख रुपए मिलता है ठीक है और कबीर में कितना मिलता है दोस्तों मैथिली शरण में और कुमार गंधर्व में कुमार गंधर्व में वन पॉइंट मिलता है कितना लैख वन इसमें लैख इतना और कबीर में आपको तीन लाख मिलेगा ठीक है और मैथिली शरण में टू लैख मिलेगा ठीक है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो करेंसी भी याद रखिएगा कितनी मतलब प्राइज मनी मिलती है ठीक है आपसे ये भी पूछ लेते हैं चलिए यहां पे क्या कह रहे हैं गोविंद 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 सभी लोग कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं चलिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा भैया यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ठीक है ये कौन से दोस्तों थे टेंथ नंबर के गुरु थे किस नंबर के थे टेंथ गुरु थे चलिए आपने क्या ट्रिक सीखी थी एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों भूलिएगा नहीं ना अंग अमर दोस्तों क्या ना अंग अमर राम और कितनी बार हर हर करना है तीन बार हर 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 तेग कुछ तो छूट गया और कहा जाएगा और यहां पर आएगा और हर 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 तेग गोविंद ठीक है तो ये ने याद किया था ट्रिक नानक जी अंगद जी अमरदास रामदास हर गोविंद हर राय हर कृष्णा यहाँ पे हर तेग बहादुर गोविंद सिंह दस गुरु आपके हो गए तीन तीन छह तीन नौ और एक दस दस गुरु आप याद रखिएगा गुरु नानक जो जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था उनका जन्म कहां पे हुआ था जल्दी से बताइए ननकाना में ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज मोनिट्री बेस मुद्रा आपूर्ति के लिए किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है एम फोर एम जीरो जल्दी से बताएंगे यहां पे एम थ्री कह रहे हैं यहां पे सब लोग एम थ्री एम थ्री दोस्तों ध्यान से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में गलती हो जाए ठीक है तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर आपका जो होगा होगा एम जीरो एम जीरो यहां पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एम जीरो यहां पे करेक्ट आंसर होगा एम वन क्या होता है दोस्तों एम वन होता है नैरो नैरो करेंसी ठीक है क्या होता है नैरो करेंसी ठीक है याद रखेगा एम वन एम टू जो होता है दोस्तों वो क्या होता है एम वन प्लस क्या होती है सेविंग्स होती है ठीक है अगर एम थ्री की बात की जाए तो ये ब्रॉड करेंसी होती है कैसी होती है ब्रॉड करेंसी ठीक है ये याद रखेगा आपके एग्जाम में अगर पूछेगा भैया मोनिट्री बेस तो एम जीरो एम जीरो ठीक है चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा

श्रीनिधि ओके कैसे कैसे भाई एकदम टफ टफ वाले नाम आते हैं आप लोग के तो इतना तो हिस्ट्री में टफ नहीं आता जितना आप लोग के नाम आते हैं टफ ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों चलिए इक्कीस मार्च को अपन क्या मनाते हैं दोस्तों फॉरेस्ट्री डे ही मनाते हैं मतलब ए का वन होना चाहिए इक्कीस मार्च को फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं ना बाकी तो ठीक है ए वन किस में है अरे एलिमिनेट हो होगा सारे के सारे ऑप्शन नंबर वन आ रहा है ऑप्शन नंबर वन ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन ठीक है दोस्तों अब आपसे इंपॉर्टेंट डे पूछ लिए जाते हैं जैसे आपने देखा बाईस अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है वैसे ही दोस्तों बाईस मार्च को अपन क्या मनाते हैं बाईस मार्च को वाटर डे मनाते हैं क्या मनाते हैं वाटर डे मनाते हैं ठीक है फिर आपसे देखिए फिफ्थ जून पूछ लिया जाएगा फिफ्थ जून में क्या मनाते हैं एनवायरमेंट डे कौन सा देश तो एनवायरमेंट डे फिर आपसे देखिए फोर्थ फेब पूछ लिया जाएगा क्योंकि कैंसर डे मनाते हैं क्या मनाते हैं दोस्तों कैंसर डे किसान दिवस पूछ लिया जाएगा 23 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर ठीक है टूरिज्म डे 27 सितंबर ठीक है अगला क्वेश्चन नवंबर 2021 हु हैज बीन अवार्डेड ऑनरी डॉक्टरेट इन प्लेबैक सिंगिंग एंड एक्टिंग फॉर द नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड नवंबर 2021 में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय के डॉ डॉक्टरेट की मानद उपाधि के किसे सम्मानित किया गया है सोनू निगम हिमेश रेशमिया नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे सर सोनू कुमार दोस्तों ध्यान से आंसर करना है और सबसे पहले तो सभी लोग शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और लाइक करेंगे और दोस्तों आपको करंट अफेयर मैंने पहले भी कहा था कि 2021 के दोस्तों करंट अफेयर पूछे गए हैं किसमें सीजीएल में पूछे गए हैं ठीक है सीजीएल में 2021 के और थ्री के के, करंट अफेयर देखने को मिले थे तो आपके एग्जाम में भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं 2022 तो आप डेली कर रहे हो है ना डेली बेसिस पे करते जा रहे हो 2022 के तो इसको तो दोस्तों उतना ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आपको रिवाइज करने की जरूरत है इक्कीस वाले की, की। क्योंकि अगर इससे आ गया क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पे आदित्य नारायण आदित्य नारायण रिच uh, यूट्यूबर बिल्कुल आपने सही बताया अलोन आपने बिल्कुल जो भी आदित्य नारायण के साथ जा रहे हैं वो करेक्ट है इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा था कि यहां पे ध्यान से करना है क्या करना है ध्यान से आंसर करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑन द यूनियन टेरिटरीज भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान है पार्ट एट पार्ट सेवन पार्ट नाइन और पार्ट नाइन बी बताइए किसमें है यस माइक पॉम्पियो आदित्य इज द करेक्ट आंसर यहां पे कह रहे हैं सर रॉकेट सेवन में नहीं है सेवन को तो हटा दिया गया रिपील कर दिया गया है तो उसमें कैसे हो सकता है यूनियन टेरिटरी सेवन नहीं होगा यस एट के साथ जो जा रहे, सेवन के साथ जा रहे हैं दोस्तों तो रिपील हो गया है करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर होगा आपका पार्ट एट क्या होगा भाग एट इसको तो रिपील कर दिया गया ना हटा दिया गया है तो इसमें क्या है दोस्तों यूनियन टेरिटरी है क्या दोस्तों यूनियन टेरिटरी है ठीक है नाइन्थ में क्या है दोस्तों पंचायत की बात की गई है किसकी बात की गई है पंचायत की बात की गई है नाइन बी में किसकी की है म्यूनसिपैलिटी की किसकी दोस्तों म्यूनसिपैलिटी की दोस्तों पहले अपने पास कितने भाग थे पहले भाग बाईस थे लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुए तो कितने भाग हो गए भाग हो गए पच्चीस ठीक है अगर दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे ये देखिए यूटी की तो इसमें है यूनियन किसमें है वो पार्ट फाइव में है किसमें दोस्तों पार्ट फाइव में यूनियन है ठीक है और दोस्तों पार्ट अगर मैं उसकी बात करूं सिक्स की तो इसमें दोस्तों स्टेट की बात की गई है ठीक है किसकी स्टेट की सेवन हटा दिया गया है एट में यूटी है ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन सिक्किम निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है यहां पे एंची पेमागे रलोंग और ताबो बताइए कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए माइक पॉम्पियो कह रहे सर ताबो नहीं है दिनेश भी ताबो के साथ जा रहे हैं पूनम कह रहे सर सी ऑप्शन होना चाहिए अशोक भी कह रहे सर सी दोस्तों अब देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आप आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे नॉट कहा है सबसे पहले तो आपको नॉट एग्जाम में दोस्तों ये चीज बड़े ध्यान से पढ़ना है नॉट ठीक है अगर नॉट बोल दिया है तो अब क्या आएगा आंसर यहाँ पे आएगा दोस्तों ताबो क्या होगा दोस्तों ताबो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ताबो इज द करेक्ट आंसर ठीक है अभी ताबो है कहां पे दोस्तों जल्दी से बताइए ताबो है कहां पे अगर यहां पे नहीं है तो कहां पे है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ना आप चाहे सीजीएल का भी उठा लोगे वहां पर आप अगर एनालिसिस किया आपने तो वहां पर टफ क्वेश्चन ही पूछे गए इजी क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे ही नहीं गए इजी कहां से आए हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से आए हैं लेकिन टफ आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर करंट अफेयर टफ नहीं पुराना पूछा इसलिए टफ लगा ठीक है तो यहाँ पे ताबो है स्पीति वैली में पाए जाते हैं कहां पे दोस्तों स्पीति वैली अब स्पीति वैली कहां पे दोस्तों स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है ठीक है हिमाचल प्रदेश में सिक्किम में नहीं है सिक्किम दोस्तों सिक्किम की कैपिटल क्या है गैंगटॉक है क्या दोस्तों गैंगटॉक है ठीक है और ये पहला ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टेट स्टेट था था दोस्तों दोस्तों पहला ठीक है फिर उसके बाद मणिपुर वगैरह भी बन गए ऑर्गेनिक स्टेट ठीक है तीन चार और ऑर्गेनिक स्टेट बन गए लेकिन पहला कौन थे पहला अपना सिक्किम है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ हाईती दोस्तों निम्नलिखित में से हाईती की मुद्रा कौन सी है गोदे फॉरिंट देंगे लत्स जल्दी से बताइए <coughs> चलिए यहां पर कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर वन गोर्दे गोर्दे दोस्तों जो भी यहां पर आंसर करेक्ट दे रहे हैं चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर अच्छा कहां की है दोस्तों की है जल्दी से आपके एग्जाम में भी तो पूछ सकते हैं जल्दी से बताइए चलिए ये याद रखिएगा दोस्तों ये कहा की है ये हंगरी की है कहा की दोस्तों हंगरी की है ठीक है कहा की हंगरी की तेंगे कहा की है दोस्तों ये कजाकिस्तान की है कहा की है दोस्तों कजाकिस्तान ठीक है और अगर लक्ष्य की बात की जाए तो ये कहा की है रिगा की है कहा की रिगा की है तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया करेंसी ध्यान से करके जाइएगा ठीक है हंगरी की है हंगरी की है माइक पॉम्पियो ठीक है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड डांस निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है कथकली ऑफ केरला बैंबू डांस ऑफ मेघालय छाऊ मायूरभंज या फिर भांगड़ा ऑफ पंजाब जल्दी से बताइए वॉर रिलेटेड डांस पूछा गया दोस्तों यहां पे थ्री ऑप्शन कह रहे हैं प्राची दिनेश भी मयूर के साथ जा रहे हैं सित्तू भी थ्री के साथ दिव्यांशु सी के साथ ठीक है ओके जो भी सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे छाऊ ऑफ मयूरभंज छाऊ ऑफ मयूरभंज दोस्तों उड़ीसा में आता है क्या जल्दी से एक बार बता तो दीजिए यार कंफर्म कर दीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है ठीक है दोस्तों ऐसे आपको डांसेस कहीं के भी पूछे जा सकते हैं जैसे तो भांगड़ा और पंजाब बिल्कुल सही है ठीक है बैम्बू डांस मेघालय में किया जाता है कत्थकली आपको केरला में देखने को मिलेगा और आपको एक मोहिनी अट्टम भी देखने को मिलेगा क्या मिलेगा मोहिनी अट्टम ठीक है मोहिनीअट्टम ये याद रखेगा ओडिशा ओडिशा ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा द थ्री रत्न ऑफ थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज ऑफ बुद्ध धर्म संघ और समय चक्र समय समय चरिता बौद्ध धर्म के त्रि रत्न और तीन ज्वेल्स में क्या शामिल है बुद्ध धर्म संघ और समय चक्रित बताइए ए बी एबीडी एबीसी बी डी सी और सी ए बी यहां पर सब कह रहे सर एबीसी होना चाहिए एबीसी होना चाहिए रिच यूट्यूबर राजन कुमार पंकजिनी तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी बी क्या होगा दोस्तों ये आता है बुद्ध भी आएगा, धर्म भी आएगा आएगा धर्म संघ भी आएगा मतलब यहाँ पे बुद्ध धर्म संघ ठीक है ये याद रखिएगा त्रिरत्न है आपके ए बी सी याद रखेंगे ठीक है दोस्तों त्रिपिता का अगर आपसे त्रिपिता का पूछ लेता तो वो भी किससे रिलेटेड है बुद्धि से रिलेटेड है अब उसमें कौन कौन से पिता का आते दोस्तों एक तो विनय पिता का आता है विनय पिता का एक का दोस्तों कौन सुत पिता का और एक कौन सा आता है अभिधम्मा क्या आता है दोस्तों ये याद रखिएगा आपके एग्जाम में हो सकता है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ऑफ 1907 वाज हेल्ड इन 1907 की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस डैश में आयोजित की गई थी बर्लिन स्टूडगर्ड फ्रैंकफर्ट और लिप्जिक जल्दी से बताइए यहां पे बी ऑप्शन कह रहे हैं राजन कह रहे हैं सर टू ऑप्शन श्रीनिधि अंजलि जी गुड मॉर्निंग फटाफट से जुड़ जाइए यहां पे तो दोस्तों जो भी यहां पे ऑप्शन है वो बी के साथ जा रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट है क्या दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टटगढ़ अभी स्टर्टगढ़ है कहां पे दोस्तों स्टर्टगढ़ दोस्तों जर्मनी में कहां पे दोस्तों जर्मनी में अच्छा दोस्तों एक बात बताइए जो हमारा झंडा पहली बार फॉरेन में फहरा था वो कहां पे जर्मनी में ही फहरा था ठीक है कहां पे फहरा था जर्मनी में ही फहरा था किसने करा था कामा जी ने है ना लेकिन किस ईयर में किया था ये बताइए सभी लोग बताइए किस ईयर में ये झंडे को फहराया गया था फटाफट फड़ से बताएंगे हाँ बीका जी कामा बिल्कुल सही लेकिन ईयर बताइए यहाँ पे जर्मनी में बीका जी कामा ने उन्नीस सौ सात चलिए बहुत बढ़िया चले आगे बढ़े अगला क्वेश्चन वेरी गुड मिस्टर खिलाड़ी उन्नीस नहीं है दोस्त उन्नीस नहीं है हाँ चलिए उन्नीस अगला क्वेश्चन फॉलोइंग इज अयोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है एनर्जी रेडिएशन वाटर या ग्रीन प्लांट आपको बताना है जैविक घटक पूछा गया दोस्तों देखिए दो घटक होते हैं अपने जैविक अजैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक ठीक है बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं इसको अपन इंग्लिश में बायोटिक में दोस्तों दोस्तों लिविंग जो भी जिंदा है भाई लिविंग ठीक है अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है तो बताइए जैसे टेबल चेयर ये सब हो गए नॉन लिविंग तो यहाँ पे कह रहा था ग्रीन प्लांट तो बिल्कुल यहाँ पे बात की गई है किसकी कि बायोटिक कम्पोनेट कौन सा है मतलब लिविंग कौन सा है तो ग्रीन प्लांट दोस्तों यहां पे क्या होगा आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ टू प्रेजेंटेड विदियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे एम एस सुमालक्ष्मी ठीक है बॉम्बे जयश्री भीमसेन जोशी लता मंगेशकर बताइए यहां रहे सर ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए कुछ लोग लता मंगेशकर कह रहे हैं दोस्तों ध्यान से पहला पूछा है कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप लोग गलती कर दो फोर ऑप्शन के साथ कई लोग जा रहे हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एमएस सुबह लक्ष्मी होगा क्या होगा एमएस शुभ लक्ष्मी यहां पे करेक्ट आंसर है ये कहां से बिलोंग करती थी दोस्तों मदुरई से करती थी मदुरई कहाँ पे दोस्तों मदुरई तमिलनाडु में कहां पे दोस्तों तमिलनाडु में ये याद रखेगा ठीक है और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल मतलब आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर जी का भी अभी हाल ही में हुआ था करंट अफेयर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिंगर का निधन हुआ था तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्रस्टीजियस अकेदमी अवार्ड ऑस्कर फर्स्ट अवार्डेड प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार जिसको हम लोग ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं किस वर्ष प्र, प्रथम बार प्रदान किया गया था 1935, 26, 29 और 31 बिल्कुल यहां पे 1929, 1929 तो दोस्तों यहां पे 1929 वाले बिल्कुल सही हैं ठीक है थीके? अच्छा दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है बाय मोशन पिक्चर किसके द्वारा दिया जाता है बाय मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों बाय मोशन पिक्चर आर्ट एंड ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1929 में पहली बार दिया गया था ठीक है दोस्तों इस बार ऑस्कर का पुरस्कार किसको भी दिया गया है जल्दी से बता दीजिए इस बार ऑस्कर किस मूवी को मिली है फटाफट फड़ बताएंगे किसको मिली है दोस्तों वेरी गुड अमित कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं जल्दी से बताएंगे कि भाई किसको दी गई है वेरी गुड यहां पे सिंटू जी ने सबसे पहले बताया है वेरी गुड सिंटू जी कोडा को मिली है किसको कोडा को मिली है ठीक है कोडा को आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा राजवाड़ा पैलेस इज लोकेटेड इन राजवाड़ा महल कहां पर स्थित है ग्वालियर में उज्जैन में रतलाम में इंदौर में राजवाड़ा दोस्तों पूछा गया है हाँ जी कोडा बिल्कुल सही है आपका आंसर इट्स नॉट सोडा इट्स कोडा ठीक है यहां पे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए ग्वालियर कह रहे हैं दोस्तों ध्यान से राजवाड़ा पैलेस की बात की गई है कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलत हो जाए यहाँ पे कुछ लोग स्किप कर रहे हैं यस yes, रितिका सिंह आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है मैं इसी का इंतजार कर रहा था यहाँ पर किसी श्रीनिधि का करेक्ट है बहुत बढ़िया दोस्तों इसी की मैं इंतजार में था यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इंदौर है ये कब बनाया गया था सत्रह में बनाया गया था कब बनाया गया था सत्रह में मुझे पता तो ग्वालियर लोग कहेंगे क्योंकि ग्वालियर में कुछ फोर्ट्स पाए जाते हैं तो पैलेस भी वहीं पर टिक लगा देंगे दोस्त ऐसे नहीं होता है ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा Recently the European Union has released a new proposal fit for 55 packages. It is related हाल ही में यूरोपीय संघ ने एक नया प्रस्ताव फिट फॉर 55 पैकेज जारी किया है यह किससे संबंधित है यह क्लाइमेट से है ओलंपिक से है हेल्थ से है या ट्रेड से है जल्दी से बताइए माइक पॉम्पियो कह रहे हैं सर क्लाइमेट से है बाकी लोग क्या कहते हैं किससे है, किस है? स्टेटस किंग भी कह रहे हैं सर क्लाइमेट से होना चाहिए अमित कह रहे नहीं सर सी से होगा

और डाउंस जल्दी से बताएंगे बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों कहां पे कहते हैं जल्दी से बताइए कहां पे कहते हैं दोस्तों स्टेपिस कहां पे कहेंगे नॉर्थ अमेरिका में कहेंगे साउथ अमेरिका में कहेंगे कहां पे कहेंगे जल्दी से बताइए ठीक है तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा ये यूरेशिया जाएगा ठीक है यूरेशिया ठीक है पेरिस पे दोस्तों देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका कहां पे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में ठीक है और अगर आपको डाउन देखना है तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी कहां पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ठीक है तो दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका में जैसे वर्ल्ड क्या दोस्तों साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं बोलते 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 क्या बोलते? वैल्ड बोलते। दोस्तों इस पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था कि जिससे आपको वो ठीक तो है के बनाया था, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जिंदा पीर इज सेल्फ टाइटल्ड बाय हुम जिंदा पीर किसके द्वारा स्वयं शीर्षक है बाबर अकबर औरंगजेब जहांगीर औरंगजेब कह रहे हैं चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे जो भी जा रहे हैं किसके साथ औरंगजेब के साथ तो भैया वो करेक्ट आंसर है दोस्तों औरंगजेब को क्या कहा जाता था जिंदा पीर भी कहते थे क्या कहते थे दोस्तों जिंदा पीर जिंदा पीर मतलब क्या होता है दोस्तों लिविंग सेंट लिविंग सेंट खुद को भैया लिविंग सेंट ठीक है हालांकि थे नहीं जो अपने पिता को ही क्या कर दे कि भैया तो कोठरी में डाल दे काल कोठरी में तो भैया वो कैसे हो सकता है जिंदा पीर ठीक है और दोस्तों इसी ने क्या बनाया था बीबी का मकबरा बनवाया था क्या बनवाया था बीबी का मकबरा ठीक है कहाँ पे बनवाया था दोस्तों औरंगाबाद में बनवाया था कहाँ पे औरंगाबाद में और दोस्तों ये किस बीबी का मकबरा कॉपी ऑफ ताजमहल कहा जाता है क्या कहा जाता है कॉपी ऑफ ताजमहल भैया इसने इसकी वाइफ का नाम क्या था दोस्तों याद है कि नहीं चलिए देखते हैं एक बार किसको किसको याद है दिलरस बानो बेगम दोस्तों नाम मत भूल जाइएगा दिलरस बानो बेगम आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कैपिटल ऑफ वेतनाम इज वेतनाम की भैया कैपिटल क्या है ताजकंत दुशैनबे डेमेस्क या फिर हनोई जल्दी से बनाएंगे यहां पे कह रहे सर हनोई 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 चलिए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई ठीक है दोस्तों दुशानबे कहां की कैपिटल है कीजाकिस्तान की है क्या दोस्तों जल्दी से बताइए क्या यहां पर कंफर्म कीजिए और डेमेस्कस कहां की है दोस्तों ये सीरिया की है क्या जल्दी से बताइए सीरिया की और ताशकंद कहां की है होमवर्क नंबर वन आपको बताना है होमवर्क में क्लास के बाद कमेंट करके कि भैया ताशकंद किसकी कैपिटल ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा वेयर इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सदर साउथ अमेरिका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपको बताना है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सी है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं चलिए सब लोग बी के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ऑफ साउथ अमेरिका अब ये है कौन सा दोस्तों ठीक है सबसे बड़ा है रेंज कौन सी है एंडीज रेंज कौन सी दोस्तों एंडीज रेंज है ठीक है अब ये कितनी बन है भाई ये सात हजार किलोमीटर दोस्तों सात हजार किलोमीटर अगर मैं हिमालय की बात करता हूं जो हिमालयन रेंज है दोस्तों वो कितनी है हिमालयन रेंज दोस्तों आपको मिलेगी लगभग से 2500 से दोस्तों 2400 इतना दोस्तों किलोमीटर लंबी अब आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेंज है एंडीज रेंज ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच इज द ओनली स्पाइस दैट इज प्रोड्यूस इन हरियाणा हरियाणा में उत्पादित एकमात्र मसाला कौन सा होता है जीरा ब्लैक पेपर टर्मरिक कार्डमम वेरी गुड वाणी जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जा रहे हैं मतलब टर्मरिक के साथ कुछ लोग बी ऑप्शन अनमेष जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है चलिए बता देते किसका किसका सही है राहुल जी आपका बिल्कुल सही है यस सिंटू जी बिल्कुल हिंदी में बता दिया सिंटू जी ने जी हल्दी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा टर्मरिक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में दोस्तों आपको सिर्फ टर्मरिक मिलेगा ठीक है ओनियन सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों ओनियन अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बोलना है महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्या बोलना है है अगर दोस्तों ब्लैक ब्लैक पेपर पेपर की की बात गई तो ये केरला में होता है कहां पे दोस्तों केरला में होता है अगर आपसे मूंगफली पूछेगा दोस्तों ग्राउंड नट ग्राउंड नट कहाँ पे होता है दोस्तों गुजरात में होता है कहां पे दोस्तों गुजरात में होता है सुगर केन अगर पूछ लेगा दोस्तों सुगर केन सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों यूपी में होता है ठीक है अगर आपसे राइस पूछ लेगा राइस सबसे ज्यादा कहां पे होता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में होता है ठीक है तो तो कॉफी कॉफी पूछ लेगा तो आपको दोस्तों बताना है कर्नाटक में कहां पे दोस्तों कर्नाटका में ठीक है आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जोर्डेनियन दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भैया जोर्डेन दिनार इनमें से किस देश की मुद्रा है चाइना इसराइल जोर्डान और कोरिया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है नाम देखते ही पता चल जाएगा जल्दी बताइए जोर्डान कह रहे हैं सब लोग सी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहे हैं बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था ना दोस्तों ये चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जोर्डान होगा तो अच्छा जोर्डान तो है इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसकी कैपिटल मेरे को जहां तक याद आ रहा है सर अमान है अमान है आप लोग क्या कहते हो अमान है कि नहीं है फटाफट बताइए अगर है तो आगे बढ़ते हैं जोड़ान, 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 ठीक है भाई वेरी गुड रिच यूट्यूबर रचना जी बहुत बढ़िया अनिमेश बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं सब लोग अमान अमान कह दिया आगे बढ़ते हैं विच ऑफ दईलैंड स्टेट ऑफ यूएसए निम्नलिखित में से कौन सा अमरीकी का द्वीप समूह है बैली आईलैंड फिजी आईलैंड सेंटोरिनी आइलैंड या हवाई आईलैंड जल्दी से बताएंगे यहां पे हवाई हवाई कह रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ये हो जाएगा हवाई आइलैंड। अब दोस्तों इसको स्टेट हुड का दर्जा कब मिला था इसको स्टेट हुड का दर्जा कब मिला था 1959 में मिला था कब मिला था दोस्तों 1959? दोस्तों इधर पे ही पर्ल हार्बर है क्या दोस्तों पर्ल हार्बर है आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी क्या हुई थी वर्ल्ड वॉर टू हुई थी तो दोस्तों यहां पे जापान ने क्या किया था था हार्बर पे बॉम्ब गिरा दिया था, जिसकी वजह से यूएसए एकदम गुस्सा हो गया और उसने क्या किया उसने क्या किया दो जगह गिराए थे कहां पे दोस्तों फटाफट से बताइए हिरोशिमा और नागासाकी में और कौन कौन से सिक्स अगस्त को गिराया उन्होंने और एक कब गिराया नाइन्थ अगस्त को गिरा दिया भैया यूएसए को गुस्सा आ गया तो दोस्तों एक का तो क्या था दोस्तों लिटिल बॉय नाम था क्या था दोस्तों लिटिल बॉय और दूसरों का क्या नाम था भैया दूसरा न्यूक्लियर का जल्दी से बताइए फैट मैन ठीक है छोटा बच्चा और मोटा आदमी ठीक है ये याद रखिएगा आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैड सॉरी हैड हेमू कॉन्कर्ट बाय डिफीटिंग द मुगल फोर्सेस अंडर द तारदी खान इन द बैटल ऑफ दिल्ली निम्नलिखित में से किस शहर में हेमू ने दिल्ली की आ, लड़ाई में तारगी बेग खान के अधीन मुगल सेन, सेना को हराकर विजय प्राप्त किया जयपुर दिल्ली आगरा मैसूर और हैदर, हैदराबाद शिवम ये क्लास चलेगी अपनी एक बजे तक दोस्तों यहां पे सीएचएसएल के एग्जाम से पहले अपन फुल रिवीजन करना चाहते हैं तीन घंटे की क्लास है आठ यहां पे दस बजे से एक बजे तक ठीक है जल्दी से बताएंगे यहां कह रहे सर दिल्ली आगरा बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद किसने पे खोजा था ये निजाम उल मुल्क माइसोर किसने की था हाइदर अली ने किसने दोस्तों हायदर अली ने और दोस्तों जयपुर को किसने किया था सवाई जयसिंह ने किसने दोस्तों सवाई जयसिंह ने आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली आगरा इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन फाउंडर ऑफ द देव समाज देव समाज के संस्थापक कौन है श्री धरालू नायडू राजा राम मोहन रॉय शिव नारायण अग्निहोत्री या रन ऑफ अबो हाँ हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है बिल्कुल मांडोवी नदी के किनारे पनाजी है फिर सरयू नदी के किनारे अयोध्या है गंगा नदी के किनारे कौन सा है दोस्तों बनारस है है ना इलाहाबाद भी है जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर नन होगा कुछ लोग कह रहे सर सी ऑप्शन तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री शिव ठीक है शिव नारायण अग्निहोत्री यहाँ पे करेक्ट आंसर राजा राम मोहन रॉय ने किसकी की थी दोस्तों ये ब्रह्मो समाज की, की थी किसकी की थी दोस्तों ब्रह्मो समाज की की थी कब की थी दोस्तों ये किया था इन्होंने 1828 में ठीक है फिर दोस्तों दयानंद सरस्वती से भी पूछा जाता है दयानंद सरस्वती जी ने किसकी की थी दोस्तों आर्य समाज की की थी किसकी की थी आर्य समाज की की थी कब की थी 1875 में ठीक है फिर दोस्तों विवेकानंद जी ने की थी विवेकानंद जी ने किसकी की थी रामकृष्ण मिशन की किसकी दोस्तों रामकृष्ण मिशन की की थी अठारह सो आगे बढ़े और दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी थी शिकागो में शिकागो में कब एटीन में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं टेन इलेवन टीन यहां पे खिलाड़ी कह रहे चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर थ्री ट्वेल्व इज द करेक्ट आंसर अब देखिए राज्यसभा की बात की गई है दोस्तों तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में दोस्तों अस्सी आर्टिकल में है ठीक है इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों इसके चेयरमैन होते हैं वीपी वेरी इंपॉर्टेंट वाले नहीं वीपी यहाँ पे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट वाले वीआईपी हैं ठीक है मतलब वीपी हैं अब दोस्तों यहाँ पे चेयरमैन अभी कौन है भैया जल्दी से बताइए वेंकैया नायडू जी है क्या तो देखिए वेंकैया नायडू ठीक है याद दोस्तों अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो मिनिमम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए तीस साल होनी चाहिए ठीक है ये याद रखेगा कितने दोस्तों मैक्सिमम सीट होती है यहाँ पे मैक्सिमम सीट होती है यहाँ पे टू फिफ्टी टू फिफ्टी मेंबर्स यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं आगे बढ़े और दोस्तों ये जो बारा मनोनीत या नामांकित किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा वो अलग अलग फील्ड से होंगे पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट परपज फ्रॉम इन रिवर सिंधु सिंधु नदी के सिंचाई बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को कितना जल देने की अनुमति दी गई है दस परसेंट पंद्रह बीस परसेंट और पच्चीस परसेंट जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर बीस कुछ लोग कह रहे सर पच्चीस तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बीस परसेंट ही है पच्चीस नहीं है लेकिन किस वर्ष हुई थी दोस्तों आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी कब हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी अब ये बताइए कब हुई थी जल्दी से बताइए उन्नीस क्या है दोस्तों और वहां पे ये कहा गया था तीन नदियां जो थी वो पाकिस्तान की तरफ बोली गई कि भैया पाकिस्तान यूज करेगा और तीन नदियां हम करेंगे और लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ नदियां जाती है मतलब जैसे इंडस रिवर हो गई ठीक है तो उसका हम बीस परसेंट यूज कर सकते हैं उन्नीस सौ साठ वेरी गुड उन्नीस सौ साठ में ठीक है तो दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस पर डैम नहीं बना सकते क्योंकि हम पानी नहीं रोक सकते ठीक है इसीलिए अपन कई बार कहते हैं कि हम डैम बनवा के पानी रोक लेंगे तो चाइना हमें क्या करता है धमकी देता है कि हम ब्रह्मपुत्र में बना लेंगे डैम और पानी रुक जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं चलिए अगला प्रश्न भैया अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन वह कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे डैश कहा जाता है कंपाइलर इंटरप्रेटर स्टिमुलेटर या फिर कन्वर्टर भैया चाइना चाइना सबसे खतरनाक दोस्त है अगर चाइना जैसे दोस्त मिल जाए ना तो दुश्मनों की फिर कमी नहीं है ठीक है भैया देख सकते हैं श्रीलंका की आपने हालत क्या बना रखी है उसने यहां पे कह रहे सर कंपाइलर कंपाइलर तो दोस्तों जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कंपाइलर इज द करेक्ट आंसर अगला प्रश्न आपके सामने डैश एक्सपेंशन मेक्स टावर टॉलर ड्यूरिंग समर दोस्तों डैश एक्सपेंशन गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा बनाता है ग्रेडियंट थर्मल केमिकल और ग्रेविटेशनल चाइना हस्तिन का साफ है हां जी बिल्कुल कह सकते हैं फादर ऑफ चाइना कौन है भैया फादर ऑफ कोरोना कौन है जल्दी से बता दीजिए जी, जी है ठीक है चलिए थर्मल थर्मल कह रहे हैं थर्मल थर्मल यहां पे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे चलिए थर्मल इज द करेक्ट आंसर क्या दोस्तों थर्मल यहां पे करेक्ट आंसर होगा अब देखिए थर्मल क्या होता है दोस्तों आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक देखा है दोस्तों उसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है क्यों गैप रखा जाता है गर्मियों में जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा इसकी लंबाई बढ़ती है तो ये अगर अगर हम गैप नहीं रखेंगे ना दोस्तों मान लीजिए एकदम बिल्कुल गैप भी नहीं रखेंगे तो यहाँ से ये मुड़ जाएगा और गैप रखते हैं तो ये फैलेगा भी तो भी नहीं टकराएगा आपस में और आईफिल टावर भी ऐसे क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बड़ा हो जाता है इसकी हाइट दोस्तों कितनी है 320 मीटर है और दोस्तों जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो लगभग इसकी 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है दोस्तों सोचिए 15 सेंटीमीटर लगभग हाइट बढ़ जाती है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ टू सीक्रेटली ब्राउज इन गूगल क्रोम गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउजर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है न्यू टैब न्यू विंडो न्यू इनकोग्निटो विंडो और बुक मार्क जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर सी ऑप्शन हाँ ये तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होगा इसमें गलती कैसे कर सकते हैं ना ये आंसर में गलती हो जाएगी तो मतलब फिर बेजती हो जाएगी चलिए इसका आंसर तो क्या है करेक्ट आंसर होगा न्यू इनकॉग्निटो क्या होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो अच्छा दोस्तों बुक क्या होता है बुक दोस्तों ऐसे स्टार जैसा बना होता है जिसमें आप क्या करते हो उसको कोई भी जो साइट है उसको बार बार आपको ना डालना पड़े ओपन ना करना पड़े तो वहां पे आप बुक करके उसको सेव कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच दोस्तों एक तरफ आपको टेम्पल दिया हुआ है दूसरी तरफ आपको प्लेस दिया हुआ है तिजारा जैन टेम्पल भंद दिवारा टेम्पल और फिर मीराबाई टेम्पल आपको बताना है अलवर बरन और चित्तौड़गढ़ कौन सा सही मैच है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे कह रहे हैं सर इसके कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑल सही होना चाहिए तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑल वन टू थ्री तीनों के तीनों सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं फेवरेट ऑप्शन ऑल है चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विश्व धरोहर स्थल नहीं है अहमदाबाद हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट बेलूर आ, हेला साइट या नन ऑफ दबो जल्दी से बताइए हा ऑल इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड रीतांजलि यहाँ पे माइक पॉम्पियो कह रहे सर बेलू बेलोर में डाउट हो रहा है दिनेश भी कह रहे सर बेलोर में डाउट हो रहा है श्रीनिधि कह रहे सर बेलोर में तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है बेलोर देखिए तो आंसर आप कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ करिए डाउट क्यों करना ठीक है अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो उस पर डाउट मत करिए आंसर करिए जो होगा देखा जाएगा लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो गैसिंग मत करिएगा क्योंकि तुक्का अगर मारेंगे तो एग्जाम में आदत हो जाएगी दोस्तों ये दिक्कत करेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट दोस्तों भारत का संविधान गणतंत्र है क्योंकि यह प्रोवाइड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर अडल्ट हैज नो हेरिटेटरी एलिमेंट जल्दी तो बताइए श्रीनिदी कह रहे सर डी ऑप्शन होना चाहिए अमित कुमार डी के साथ सुनील डी के साथ चलिए यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये यहाँ पे क्या बात कोई वंशानुगत तत्व नहीं है दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट इस बार कौन बना है मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हैं अब उसके बाद उनके कोई बच्चे बन जाए तो यहाँ पे हेरिटेटरी वाला नहीं है ठीक है इसलिए इसको रिपब्लिक आ जाता है ये सबके लिए ओपन है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हु ऑन द टोएटा थाईलैंड ओपन वुमे सिंगल इन बैंकॉक इन जनवरी दो हजार दोस्तों जनवरी की बात की जा रही है जनवरी 2021 की बैंकॉक में टोयटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता अश्विनी पोनप्पा ने कैरोलिना मारिन ने ताई जुइंग ने या फिर पीवी सिंधु ने यहां पे कह रहे हैं सर पीवी कुछ लोग कह रहे हैं सर अश्विनी होना चाहिए यूट्यूबर कह रहे सर अश्विनी माइक कह रहे हैं सर मा, मा, कैरोलिना मरीन तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कैरोलिना मरीन इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड माइक पॉम्पियो दोस्तों जो भी आंसर करिए कॉन्फिडेंस के साथ करिए और अगर आपको नहीं बन रहा है कोई बात नहीं लर्न कर लीजिए अब आपके एग्जाम है टफ क्वेश्चन बिल्कुल एकदम टफ करना भी अभी यहाँ पर अच्छा नहीं है यहाँ पर आप सिर्फ हमें रिवाइज करना है सारी चीजें कि एक बार हम पढ़ के जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अच्छे से परफॉर्म करें टफ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले करिए हुए अब यहाँ पर आगे कम से कम मॉडरेट और अबव मॉडरेट जो है उसको रिवाइज किया जाए ठीक है यहां पे अगला क्वेश्चन हाइएस्ट पोटेंशियल एनर्जी फाउंड इन भैया उच्चतम स्थिति ऊर्जा पाई जाती है डिकम्पोजर्स में कंज्यूमर्स में प्रोड्यूसर्स में या फिर डिट्रीवोरस में जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए यहां पे आर्या कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए अनिमेश कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोड्यूसर्स क्या होगा प्रोड्यूसर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्यों होगा प्रोड्यूसर्स करेक्ट आंसर दोस्तों आपको पता है जैसे सूरज है जैसे सूरज कौन है सूरज हालांकि ये सूरज अच्छा तो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी ठीक है और ये है अपना ट्री क्या दोस्तों ट्री है प्लांट क्या करेगा खुद अपना खाना बनाएगा मतलब हंड्रेड परसेंट दोस्तों इसके अंदर एनर्जी होगी इसको दोस्तों जो भी खाएगा मतलब कंज्यूमर तो दोस्तों पहला कंज्यूमर जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर क्या बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर उसके पास कितनी आएगी एनर्जी टेन परसेंट हमेशा दोस्तों एनर्जी जो है वो टेन परसेंट फ्लो होती है फिर दोस्तों सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा कौन आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा उसके पास कितनी आएगी दोस्तों एक परसेंट कितनी एक परसेंट और फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स आखिरी में डिकम्पोजर्स होते हैं तो उनके पास कितना जाएगा जीरो पॉइंट वन परसेंट अब आप देख सकते हो इसी तरीके से एनर्जी फ्लो होती है टेन परसेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो टेन परसेंट बताइएगा ठीक है सौ का दस परसेंट भैया दस आएगा फिर दस का दस परसेंट एक आएगा और एक का दस परसेंट जीरो ट्राइबल फेस्टिवल दिए हुए दूसरे तरफ राज्य के नाम दिए हुए हॉर्नबिल फेस्टिवल मजूली फेस्टिवल वांगला फेस्टिवल नागालैंड आसम मेघालय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन करेक्टली मैच दो तीन तीन एक एक तीन या फिर एक दो तीन जल्दी से बताइए गोविंद कह रहे सर आई एम न्यू स्टूडेंट गोविंद आप कहा नए स्टूडेंट हो आप तो आते ही रहते हो ठीक है उनको बताइए जिनको नहीं पता है ऑल ऑल कह रहे हैं भाई जितने लोग आते हैं मुझे तो नाम भी सबके लगभग पता ही है कि भाई दिख जाता है कि कौन कितनी बार आता है क्लास में कौन नया है उस नाम से ही पता चल जाता है हाँ नाम बदल के आ जाए वो बात अलग है ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑल फेवरेट ऑप्शन ठीक है आपको पता है हॉर्नबिल नागालैंड में मनाते हैं मजूली असम में और वांगला मेघालय में आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा चलिए फटाफट से सभी लोग बताएंगे वेयर इज लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड चमड़ा प्रौद्योगिक पार्क कहां स्थित है दोस्तों आगरा में है कानपुर में उन्नाव में है या नोएडा में है हाँ सब 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 न्यू है सब न्यू है ठीक है और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से कानपुर कह रहे हैं कानपुर कानपुर तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कानपुर इज द करेक्ट आ... यहाँ पे दोस्तों कानपुर होगा उन्नाव नहीं होगा दोस्तों कानपुर इज द करेक्ट आंसर कानपुर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड ठीक है कानपुर इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा हु इनोग्रेटेड द रामायण कॉन्क्लेव इन अयोध्या इन अगस्त दो अगस्त 2021 में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी जी ने वेंकैया नायडू ने और राजनाथ सिंह जी ने जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ बताएंगे यहां पे वेंकैया नायडू कह रहे हैं कोई कह रहे नरेंद्र मोदी होना चाहिए जल्दी से बताएंगे दोस्तों अभी तक फोर 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 तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर वन रामनाथ कोविंद ठीक है यहाँ पे प्रेजीडेंट रामनाथ कोविंद यहाँ पे करेक्ट आंसर है हाँ जी जी श्रीनिधि ने ने करेक्ट आंसर दिया है। आ, यहाँ दिया है है और पे अच्छा पप्पू सही मोदी जी नहीं है यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल मनीषा जी बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल लोकेटेड इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है लियोन फ्रांस में डबलिन आयरलैंड में ओटावा कनाडा में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे सब कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन लियोन फ्रांस अच्छा दोस्तों इसको फॉर्म कब किया गया था देखिए कई जगह दोस्तों आपको दिखेगा 1924 कई जगह दिखेगा नाइनटीन तो नाइनटीन पे हमें मार्क करना है ठीक है ये याद रखेगा इंडिया इसका कब मेंबर बना था दोस्तों इसका मेंबर बना था, 1949 में कब बना था इसका मेंबर 1949 में अब आपसे दोस्तों क्या पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भैया कहां पर है तो ये है दोस्तों हेग में हेग में कहां पे दोस्तों हेग हेग कहां पे है दोस्तों नीदरलैंड में कहां पे दोस्तों नीदरलैंड में फिर आपसे दोस्तों क्या पूछा जाता है यूनेस्को का दोस्तों पूछ लिया जाता है हेड तो यूनेस्को कहां पे है दोस्तों पेरिस में कहां पे पेरिस में पेरिस फ्रांस में ठीक है फिर आपका यूएन में पूछ लेते हैं यूएन का तो वॉशिंगटन डीसी दोस्तों? डी दोस्तों, दोस्तों जल्दी से बताइए इनमें से किस में है होमवर्क नंबर टू आपको बताना है कमेंट करके यहां पर क्लास के बाद कहां पर है इसका हेडक्वार्टर रोम रोम हाँ सारे लोग रोम रोम कर दो है ना रोम रोम में बसा है खाने वाले का नाम चलिए अगला क्वेश्चन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीएनएसडीसी एंड हैव अनाउंस्ड एन एलायंस टू लॉन्च द डिजिटल स्किल कैंपेन चैंपियन प्रोग्राम इन जून 2021 भैया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और डैश ने जून 2021 में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने हेतु गठबंधन की घोषणा की है Facebook LinkedIn WhatsApp और Twitter फटाफट बताएंगे दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कुछ लोग ट्विटर कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे लिंक हैं कुछ लोग फेसबुक कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर भैया क्या होगा इज द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर है है ठीक ऑप्शन नंबर सी नॉट लिंक नॉट फेसबुक ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आप दोस्तों ट्विटर का ट्विटर का याद रखिएगा सीईओ कौन दे भैया दोस्तों सीईओ कौन है ये क्योंकि न्यूज में था पराग अग्रवाल है क्या दोस्तों जल्दी से बताइए पराग अग्रवाल है क्या ये अभी न्यूज में था ना किसकी वजह से न्यूज में था भैया एल एन मस्क की वजह से एल एन मस्क की वजह से न्यूज में आ गया था ट्विटर ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा जमशेदपुर इज नोन फॉर विच इंडस्ट्री जमशेदपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है पेपर इंडस्ट्री के लिए या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जल्दी से बताएंगे स्टील स्टील कह रहे हैं सभी लोग तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर आपका स्टील दोस्तों जमशेदपुर कहां पर है ये झारखंड में है क्या जल्दी से बता दीजिए झारखंड में है क्या या फिर छत्तीसगढ़ में है जल्दी से बताइए दोस्तों कंफ्यूजन से लग रहा है बताइए कहां पर है झारखंड 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 चलिए ठीक है आगे बढ़े हाँ झारखंड ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने विच फाइव ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज ओनली फोर ईयर भैया ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि केवल चार साल थी वैसे तो पांच साल होनी चाहिए लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ चार साल थी बताइए किसकी थी फटाफट फड़ बताइए यहां पे फोर्थ कह रहे हैं कुछ लोग थर्ड कह रहे हैं दिव्या जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अजय बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है एस एस सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ये आर्या जी वेरी गुड दोस्तों यहाँ पे जो भी पांच के साथ जा रहा है फिफ्थ के साथ जा रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये एक ऐसा फाइव ईयर प्लान था दोस्तों जिसका सिर्फ और सिर्फ चार साल तक ही था कितने साल तक दोस्तों चार साल तक 1974 से 1978 तक दोस्तों अगर मैं बात करूं कि फाइव ईयर प्लान ये कहां से लिया गया है यूएसएसआर से लिया गया है कहां से दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया है टोटल कितने फाइव ईयर प्लान हुए दोस्तों बारह हुए आखिरी कहां, कहां तक था दोस्तों 2012 दो से 2017 तक जो था वो आखिरी था मतलब था कौन से मॉडल पे बेस्ड था तो हेरल्ड डोमर कौन सा दोस्तों मॉडल पे था ठीक है दोस्तों पूछा जाएगा अगर दूसरा पंचवर्षीय योजना वो पीसी मेहलोबिस क्या दोस्तों पीसी मेहलोबिस पे था किससे पीसी महल और दोस्तों तीसरा पूछ लिया जाएगा थर्ड अगर पूछ लिया जाएगा तो ये किस पे था अगला क्वेश्चन ये रहा 2020, दोस्तों जून दोस्तों जून 2021 साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ दीट्यूट डेवलप सिनेप्टिक नेटवर्क दैट मिमिक्स एंड ह्यूमन ब्रेन जून 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक कुशल कृत्रिम सूत्रयुगम नेटवर्क विकसित किया जो मानव मस्तिष्क की नकल करता है इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकल बायोलॉजी इंस्टीट्यूशन फॉर जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांटेज एंड साइंटिफिक रिसर्च यहां पे जल्दी से बताएंगे जवाहर जवाहर कह रहे हैं मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर आपका जवाहर नेहरू जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ठीक याद रखेंगे दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है विक्टोरिया मेमोरियल नेशनल म्यूजियम इंडियन म्यूजियम नेशनल रेल म्यूजियम फटाफट फड़ करेंगे बताएंगे जल्दी से दोस्तों दोस्तों यहां पर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट -फड़ से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे नेशनल विक्टोरिया मेमोरियल कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर पे क्या है होगा आपका इंडियन म्यूजियम इंडियन म्यूजियम दोस्तों सबसे पुराना है भारतीय संग्रहालय जिसे हम कहते हैं इंडियन म्यूजियम ठीक है सबसे पुराना म्यूजियम आगे बढ़े चलिए हा और ये इंडियन म्यूजियम बिल्कुल पुराना है और दोस्तों इसको किसने फॉर्म किया था एशियाटिक सोसाइटी वालों ने किया था किसने किया था भैया एशियाटिक सोसाइटी ने फाउंड किया था आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया सबसे पहला म्यूजियम किसने फाउंड किया था तो सोसाइटी ने अगला क्वेश्चन ऑन डे डे हेल्थ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है फिफ्थ मई सात अप्रैल ग्यारह जून और एक दिसंबर जल्दी से बताएंगे हेल्थ डे यहां पे सेवन अप्रैल सेवन अप्रैल कह रहे अमित कुमार प्रिंस क्या बात है दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसको कौन सेलिब्रेट करता भैया करवाने लगा ठीक है WHO का कहां पे है जिनेवा में है क्या दोस्तों जल्दी से बता दीजिए जिनेवा में है क्या और इसको फाउंड कब किया गया था 1948 में किया गया था ठीक है क्या कब किया गया था 1948 में आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है न्यूयॉर्क यूएसए लंडन यूके जिनेवा स्विट्जरलैंड और वीना ऑस्ट्रेलिया यस मोहित सिंह जी बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर वीना कह रहे हैं सम्राट अशोक अनिमेश कह रहे हैं सर जिनेवा होना चाहिए चलिए तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जा रहे हैं सभी लोग और करेक्ट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर थ्री है जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन विच ऑफ विल यू फाइंड में से किस मंदिर पर आपको गोपुरम मिल पाए जाएंगे शिवा टेम्पल ऑफ चिदम्बरम टेंपल टेम्पल दक्षिणेश्वर दिलवारा टेम्पल माउंट अबू गोल्डन टेम्पल अमृतसर जल्दी से बताएंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये अपन ने पहले भी किया हुआ है यहाँ पे कुमार रेड्डी आपका बिल्कुल सही है हाँ, और किसने कहा हां जी कुमार रेड्डी आपका सही है अजय बिल्कुल आपका सही है तन्मय जी वे, वेरी गुड प्राची बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल अमित कुमार बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर पे क्या होगा वन ऑप्शन चिदंबरम यहां पर यहां पर टेम्पल, टेम्पल आपसे पूछ लेते थे टाइप्स ऑफ टेम्पल जैसे कि आपने देखा था द्रविडियन टेम्पल कितने टाइप के होते हैं दोस्तों अपने यहां टेम्पल तीन प्रकार के होते हैं मेनली द्रविडियम नागरा और कौन सा होता है वसारा ये तीन प्रकार के दोस्तों आपको मंदिर मिलेंगे द्रविडियन दोस्तों आपको साउथ इंडिया मिलेगा दक्षिण भारत में नागरा दोस्तों आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा उत्तर भारत में और वसारा दोस्तों आपको सेंट्रल इंडिया मिलेगा जो कि इन दोनों का मिक्स होता है द्रविडियन और नागरा का द्रविडियन दोस्तों कैसा होता है फ्लोर जैसा होता है मतलब स्टेजेस ऐसे बने होंगे मंदिर ठीक है और यहाँ पे दोस्तों नागरा क्या होता है उस पर डोम बनेगा या फिर पिरामिड बनेगा चले आगे अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा इन नवंबर 2021 हजार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड पंजाबी एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन टू टेन अक्रॉस द स्टेट नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य भर में कक्षा एक से दस तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी का अनिवार्य विषय बना दिया है पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश पंजाब पंजाब सभी लोग कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है पंजाब दोस्तों सीधी सी बात पंजाबी पंजाब में ही करवाएंगे ठीक है ऐसा तो है नहीं कि केरला में कोई कहेगा कि पंजाब भी पढ़िए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अगला क्वेश्चन द नागर होल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन भैया नागर होल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में कर्नाटक में तमिलनाडु में और गोवा में जल्दी से बताएंगे यहां कह सर कर्नाटक 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 तो क्या बात है यहां पर कर्नाटक करना, क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा अच्छा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको नाम दफा यहां से दफा नाम दफा ठीक है फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा मिलेगा माउलिंग माउलिंग भी यहीं पे है माउलिंग नेशनल पार्क ठीक है याद रखेंगे तमिलनाडु में दोस्तों क्या मिलेगा अनामलई क्या मिलेगा अनामलई नेशनल पार्क और कौन सा मिलेगा जल्दी से बताइए अनामलई मिलेगा और कौन सा मिलेगा और गोवा में कौन सा मिलेगा जल्दी से बताएंगे हाँ बिल्कुल माउलिंग है बिल्कुल है अरुणाचल प्रदेश में माइक पोम्पियो मोहित फटाफट बताइए चलिए यहाँ पे और क्या मिलेगा दोस्तों आपको एक नीलगिरी मिल जाएगा नीलगिरी नेशनल पार्क और गोवा में कौन सा मिलेगा मोलम क्या दोस्तों मोलम नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है ठीक है आगे बढ़े अच्छा इतांकी नेशनल पार्क अपन ने इंकी भी पढ़ा था दोस्तों इतांकी भूल तो नहीं गए नागालैंड में पे दोस्तों नागालैंड में ठीक है काजीरंगा आपको आसाम में मिलेगा अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा विच ऑफ द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम बिहार एज इट्स ओरिजिन इन अमरकंटक बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है कोयल सोन पुनपुन -पुन और कारो सोन नदी कह रहे हैं यहां पे सम्राट अश्विनी क्या बात है भाई ओ हो क्या बात है यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका सोन नदी क्या होगा सोन नदी सोन नदी कहां से निकलती है अमरकंटक से निकलती है एमपी एमपी में ठीक है है दोस्तों क्या कहा जाता नदियों का मायका कहा जाता है क्या कहा जाता है नदियों का मायका एमपी को कहा जाता है ठीक है क्यों नदियों का मायका कहते हैं दोस्तों क्योंकि वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है और बहुत सारी नदियां हैं वहां पर इसलिए इसको कहते हैं नदियों का मायका अगला क्वेश्चन चलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया नॉट फाउंड इन भैया भारत में सदा सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार में वेस्टर्न घाट में या नन ऑफ दी दबो में जल्दी से बताइए यहां पे नन कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं डी कह रहे हैं चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा नन ऑफ दी अब ठीक है दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट कितने प्रकार के आपके मेनली पाए जाते हैं पांच प्रकार के पाए जाते हैं क्या देखिए सबसे पहले हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या हो गया दोस्तों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है यहाँ पे दोस्तों ट्रॉपिकल लिखे रहने दीजिए एवरग्रीन के लिए क्या कर दीजिए डेसीडियस डेसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है ठीक है ट्रॉपिकल लिखे रहने दीजिए फॉरेस्ट लिखे रहने दीजिए थॉर्न फॉरेस्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया चौथा कौन सा होता है दोस्तों चौथा होता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है माउंटेन फॉरेस्ट होता है एक और छूट रहा है दोस्तों कौन सा छूट रहा है जल्दी से बताइए ट्रॉपिकल हो गया थॉर्न हो गया, गया मॉन्टेन हो गया और एक कौन सा छूट रहा है फटाफट से हाँ जी यहां पे किसी ने तो बोला है मैंग्रोव फॉरेस्ट बिल्कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच the द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर साइज ऑफ पार्टिकल भैया कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम के निरूपित rock, है, है? ग्रेवल्स, ग्रेवल्स ग्रेवल्स एंड रॉक रॉक ग्रेवल्स सैंड सिल्ट क्ले जल्दी से बताइए भैया असेंडिंग में बताना है असेंडिंग मतलब होता है दोस्तों छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा ठीक है तो बताइए यहां पे कुछ लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग फोर ऑप्शन कह रहे हैं दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं रॉक रॉक सबसे बड़ा है ठीक है अगर हम देखते हैं यही पांच का यूज किया जा रहा है ना इन्हीं पांचों का यूज कर रहे हैं तो दोस्तों रॉक तो सबसे बड़ा होता है रॉक मतलब सबसे ऊपर आना चाहिए ठीक है और सबसे छोटा जो है यहाँ पे क्या होता है दोस्तों क्ले होता है क्ले के अगर आप पार्टिकल देखोगे बहुत छोटे होते हैं तो मतलब स्टार्टिंग में क्ले होना चाहिए रॉक आखिरी में होना चाहिए किसमें भाई ये तो ऑप्शन नंबर टू में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट होना चाहिए डी कैसे आ रहा है आप लोग का ठीक है करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू चलिए आगे बढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर मिट्टी या रेगुर सॉइल भैया निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है सॉइल सॉइल एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल फटाफट बताइएगा और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार शेयर करेंगे और क्या करेंगे जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे यहां पर अभी 274 लोग हैं लाइव लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ 197 ऐसा क्यों फटाफट से इसको तो रेगुड़ सॉइल कहा जाता है ठीक है ये आपको कहां कहाँ देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी एमपी में देखने को मिलेगी और गुजरात में भी देखने को मिलेगी और दोस्तों इसमें सबसे अच्छा उत्पादन किसका होता है सबसे अच्छा उत्पादन होता है कॉटन का किसका दोस्तों कॉटन का क्यों होता है दोस्तों इसकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाटर रिटेंशन बड़ा अच्छा होता है मतलब पानी को बड़े अच्छे तरीके से करता है।, है? है रेगुर इसका दूसरा नाम ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए हाँ बोलते हैं किस क्या बोलते इसको सेल्फ फ्लोड खुद से जुती हुई ठीक है सेल्फ फ्लोड मिट्टी कहते हैं अगला क्वेश्चन मिनरल भैया फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलती है आ, और ग्रेनाइट। जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे जीनिस बोल रहे हैं दोस्तों संभल के यहां पे एफ नाइनटीन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है न्... और किसी का अभी तक नहीं आया दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर ग्रेनाइट क्या होगा दोस्तों यहां पे ग्रेनाइट करेक्ट आंसर होगा अच्छा जीनीस पेगमिटिस और फॉस्फेट किसमें मिलता है जल्दी से बताइए जल्दी से बताएंगे देखिए ये किसमें मिलेगा मेटामॉर्फिक में किसमें मेटामॉर्फिक में ये किसमें मिलेगा दोस्तों इग्नियस में इग्नियस रॉक्स में और फॉस्फेट किसमें भैया सेडिमेंट्री तो ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े यहां पर इग्नियस सेडिमेंट्री और ये ग्रेनाइट किसके लिए स्पार। अगला क्वेश्चन कलसुबाई पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया भैया कलसुबाई चोटी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना और गोवा जल्दी से तो बताइए वहां पे पूछा था Asending मतलब कि, कि किसका छोटा पार्टिकल होता है किसका छोटा साइज होता है किसका बड़ा तो देखिए क्ले में जो होते होगा करेक्ट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र क्या होगा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों महाराष्ट्र यहां पर आगे बढ़े लेकिन गुजरात और उसकी पीक पॉइंट क्या जल्दी से बताइए गुजरात की पीक पॉइंट तेलंगाना की पीक पॉइंट बताइए क्या है चलिए गुजरात की क्या दोस्तों कैसे याद करें जी जी से गिरनार क्या दोस्तों गिरनार ठीक है तेलंगाना की दोस्तों डोली गुट्टा क्या दोस्तों डोली तो गुट्टा तो और गोवा की क्या है सोंगोर ये दोस्तों पीक पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा गुजरात की गिरनार तेलंगाना की डोली गुट्टा और गोवा की सोंगोर महाराष्ट्र की कलसुबाई आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे कह रहे सर सेकेंड जनरेशन होना चाहिए प्राची कह रहे हैं अक्षिता सिंटू माइक पॉम्पियो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर

थर्ड होमवर्क है आपका कि भैया आपको बताना है कि फिफ्थ जनरेशन कौन सी भैया जल्दी से बताएंगे ठीक है ये सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को संयोजक का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने के लिए एक विधि है अरे नोड सीडो कोड और फ्लो चार्ट कोड कह रहे हैं ओके अच्छा यहां पे सभी लोग आंसर करने लगे अभी से आई ए दोस्तों वो होमवर्क है आपका होमवर्क है ठीक है यहाँ पे सीडो कोड सीडो कोड कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कोड इज द करेक्ट आंसर ठीक है नोड एरे जो कह रहे हैं वो दोस्तों नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन विच पॉल्यूटेड फाउंड इन द पेट्रोल कैन कॉज डैमेज टू द नर्वस सिस्टम भैया पेट्रोल में पाया जाने वाला कौन सा प्रदूषक तंत्र का तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लेड और पैराफिन लेड कह रहे हैं अनिमेश अलोन कह रहे हैं सर सी होना चाहिए तो दोस्तों बिल्कुल यहां पे श्रीनिधि बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका लेड दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुछ साल पहले या कुछ समय पहले आपने मैगी में सुना था कि लेड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है क्या हो गई है मैगी लोगों ने खाना बंद कर दिया बॉयकॉट कर दिया ठीक है हालांकि बाद में जब चेक बैक हुआ तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया लेकिन यह बोला जा रहा था कि लेड की मात्रा भैया उसमें ज्यादा पाई गई है ठीक है तो लेड अपने नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच एयर विच एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एज पर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड लिस्ट दो भैया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड दो के अनुसार सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है द लास्ट फोर्ड फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल या फिर ऑर्लैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पे हार्ड कह रहे हैं सब लोग ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जा रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा हार्ड अच्छा दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बीजिएस्ट कौन सा है जल्दी से तो बताइए इंडिया में सबसे बीजिएस्ट कौन सा एयरपोर्ट है क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सॉरी एयरपोर्ट है या फिर इंदिरा गांधी जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी ठीक है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है क्या है इंदिरा गांधी बिजिएस्ट और दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है छत्रपति ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़े अगला क्वेश्चन वेयर इज द मार्तंड सन टेम्पल सिचुएटेड मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है वाराणसी शिमला कश्मीर और मदुरई या फिर आपको एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको ऑप्शन दे, दे देता हूं यह है भुवनेश्वर जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बोल रहे सर अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे हमें पता है आंसर आप कुछ भी लिख लो उड़ीसा लिखवाना चाह रहे हो लेकिन हम तो लिखेंगे सिर्फ उस... वाराणसी नहीं है दोस्तों भुवनेश्वर बोल भी दिया कई लोगों ने भुवनेश्वर भी बोल दिया दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है कश्मीर दोस्तों सन टेम्पल सिर्फ होता तो बात अलग थी मारतंड सन टेम्पल की बात कर रहे हैं ब्लैक पगौड़ा दोस्तों ब्लैक पगौड़ा ब्लैक पगौड़ा मंदिर किसे कहा जाता है ब्लैक पगौड़ा दोस्तों कोणार्क मंदिर कहते हैं किसको दोस्तों मंदिर को क्या कहा जाता है ब्लैक और दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा क्या दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा ये कहां पर मिलेगा दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा और छोटा इमाम बड़ा दोनों लखनऊ में मिलेंगे पे लखनऊ में ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट भैया अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है संस्कृत ब्राह्मी ग्रीक या द्रविडियन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों आप आसानी से यहां पे आंसर कर सकते हैं यहां पे कह रहे ब्राह्मी 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 तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहां पे ब्राह्मी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है अच्छा दोस्तों यहां पे लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाता है कि बुद्धिज्म में भैया कौन सी लैंग्वेज यूज है ठीक है तो सबसे ज्यादा भैया पाली लैंग्वेज है ठीक है फिर दोस्तों आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे जैन में तो जैन में दोस्तों आप बता सकते हो प्राकृत लैंग्वेज ठीक है फिर आपसे दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे कई बुक्स लिखी गई है जैसे हर्षचरिता वगैरह की बुक किस में लिखी गई संस्कृत में ठीक है किस में संस्कृत में ठीक है याद रखेगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा छावनी पोर्टल फेबर दो हजार इक्कीस फरवरी दो हजार इक्कीस में ई छावनी पोर्टल किसी ने लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने पियूष गोयल ने राजनाथ सिंह ने और प्रकाश जावड़ेकर ने दोस्तों फरवरी दो हजार इक्कीस की बात की जा रही है भूलिये का नहीं दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में आर आरबीएनसी लेवल फोर और सिक्स में आपको यही से पूछा गया था मतलब दो हजार इक्कीस से यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर कह रहे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे राजनाथ सिंह क्या होगा राजनाथ सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर भैया डिफेंस मिनिस्टर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन इन अक्टूबर दो अब किसकी बात के लिए भैया अक्टूबर दो हजार ऑफिसर फ्रॉम विच कंट्री हैज बीन पोस्टेड एट द इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना के आ, सूचना संलयन केंद्र में किस देश का एक संपर्क अधिकारी को तैनात किया गया है मॉरिशियस शेषल्स मालदीव और कोमोरोस यहां पे शेषल्स कह रहे हैं कुछ लोग मालदीव कह रहे हैं ठीक है तो दो ऑप्शन में फाइट चल रहा है मालतली और सैशल ठीक है लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा होगा ठीक है दोस्तों आपको एक देखने को मिलेगा ये बहुत ये बहुत छोटा सा है है याद ठीक और दोस्तों यहां पर अक्टूबर दो में पूछा गया था ठीक है अब दोस्तों अपन फिफ्टींथ जनवरी को क्या मनाते हैं आर्मी डे मनाते हैं ठीक क्या मनाते हैं आर्मी डे एट अक्टूबर को क्या मनाते हैं एथ अक्टूबर को एयरफोर्स डे क्या मनाते हैं दोस्तों एयरफोर्स डे और फोर्थ दिसंबर को फोर्थ दिसंबर को क्या मनाते हैं नेवी डे ठीक है याद रखेंगे नेवी डे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा कोटोपैक्सी माउंटेन पीक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोटोपैक्सी एक पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है फ्रांस में है इक्वाडोर में है ईरान में है या फिर चाइना में है जल्दी से बताइए यहां पे क्या बात है भाई ये होता है ना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर माइक पॉम्पियो श्रीनिधि अलोन दिव्या क्या बात है सभी के करेक्ट आंसर वेरी गुड यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट 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 आंसर 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 होगा होगा अरे आपका क्या पे है आगे बढ़े अच्छा चलिए होमवर्क नंबर फोर इक्वडोर की कैपिटल क्या है दोस्तों होमवर्क नंबर फोर फ्रांस की तो बड़ी सिंपल है क्या लिख देंगे पेरिस लिख देंगे ठीक है ईरान की क्या है तेहरान है क्या दोस्तों तेहरान है चाइना की क्या है बीजिंग है लेकिन आपको इक्वाडोर का बताना है इक्वाडोर क्या है कैपिटल आगे बढ़े कायरो नहीं है कायरो नहीं है वो कायरो इजिप्ट का है इजिप्ट का है भैया कायरो आए उलन बतर भी नहीं है उलन बतर मंगोलिया का है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इन विच मोड कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट लुप्त पर्याय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस मोड उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है कंजर्वेशन एडवांस कंजर्वेशन इन कंजर्वेशन और केमिकल कंजर्वेशन यहां पे इन कह रहे हैं बिल्कुल कई लोग एडवांस कह रहे हैं मलिक जी बिल्कुल सही हैं आप एस जी बिल्कुल सही दिव्या बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका इन दोस्तों इन इंस्टित क्या होते हैं जो नए नए प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ना बड़े बड़े से कैसे जैसे नेशनल पार्क हो गए बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई ठीक है टाइगर रिजर्व हो गए एक्स क्या होते हैं दोस्तों जो छोटे होते हैं जैसे गार्डन क्या दोस्तों बोटेकल गार्डन हो गया जूलॉजिकल गार्डन हो गया ठीक है याद रखेंगे तरीके से एक्स अगला क्वेश्चन एशियास्ट लार्जेस्ट होलसेल प्राइस सॉरी प्राइस बोल रहा हूं स्पाइस मार्केट लोकेटेड इन एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला डैश में स्थित है बेंगलुरु दिल्ली और यहां पे अहमदाबाद और कोलकाता जल्दी से बताएंगे बेंगलुरु कह रहे हैं सिंटू जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है मनीषा जी बिल्कुल करेक्ट है आपका दीपक वेरी गुड दोस्तों यहां पे जो भी दिल्ली के साथ जा रहा है ना उनका बिल्कुल सही आंसर है क्या है दोस्तों दिल्ली यहां पे अरे दिल्ली यहां पे करेक्ट आंसर दोस्तों दिल्ली इज द करेक्ट आंसर लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डाटा एक फाइल जिसमें हां हाँ श्वेता पिछले का दिल्ली था यहां पे आंसर बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से भैया गुजाई से फटाफट से लाइक करेंगे और क्या करेंगे शेयर करेंगे जल्दी से यहाँ पे सब कह रहे बिल्कुल गोविंद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है श्वेता जी बिल्कुल करेक्ट है श्रीनिधि दिनेश नहीं रैंडम फाइल नहीं अब देखिए यहाँ पे कई लोग क्या कह रहे सोच रहे परमानेंट फाइल फाइल रैंडम होगी दोस्तों नहीं वो मास्टर फाइल होती है कौन सी होती है दोस्तों ये परमानेंट जो होगी वो मास्टर फाइल होगी कौन सी होगी ऑप्शन नंबर थ्री आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ भैया बिहार में सबसे ज्यादा क्या होती है लीची होती है बनाना होता है मैंगो होता है या फिर यहाँ पर होता है नन ऑफ दिस यहां पे कह रहे हैं सर लीची कह रहे हैं सुनील वाणी कह रहे हैं सर लीची ठीक है अलोन अनु दिनेश एसएससी बहुत बढ़िया यहाँ पे दोस्तों जो भी लीची कह रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट है आपको ये भी पता होना चाहिए शाही लीची कौन सी दोस्तों शाही लीची अगर मैं बात करूं इसको क्या किया गया है यहां से जीआई टैग दिया गया है क्या दिया गया है जीआई टैग दिया गया है और क्या किसको दिया है बिहार में दोस्तों कतरनी राइस को किसको कतरनी राइस को ठीक है किसको दोस्तों कतरनी राइस को और किसको दिया गया है ठीक है दार्जिलिंग टी को दिया गया, है. है? दिया गया था कब दिया, दिया, दिया गया था दोस्तों यह दिया गया था 2004 में ठीक है यह याद रखेंगे आगे बढ़े चलिए क्या बात है मुजफ्फरपुर की शाही लीची चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा फटाफट बताएंगे विच ऑल देशन ऑफ किंग खरवेला निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खरवेला का एक शिलालेख है रोसाई रोसाई गुफा हाथी गुफा रानी गुफा या सर्पा गुफा जल्दी से बताइए इंस्क्रिप्शन ऑफ राजा खरवेला हाथी 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 तो दोस्तों जो भी हाथी के साथ जा रहा है हाथी मेरा साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर तो दोस्तों यहां पे क्या होगा हाथी गुफा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ठीक है आगे अच्छा दोस्तों केव से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से आपसे पूछ, आप पूछ लिया भैया एलोरा केव कहां पर है, है? तो कहाँ पे, पे है तो दोस्तों ये याद रखिएगा ठीक है ये आपका दोस्तों कहाँ पे मिलेगा एलोरा अजंता और एलिफेंटा महाराष्ट्र में मिलेगा भीम बेटका कहाँ पे मिलेगा दोस्तों भीम बेटका मिलेगा आपको एमपी में कहा पे एमपी में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ऑन विच डे गुरु गोविंद सिंह जयंती सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में गुरु गोविंद सिंह जयंती किस दिन मनाई गई 18 जनवरी 19 जनवरी 20 जनवरी और 21 जनवरी फटाफट बताएंगे 19 जनवरी माइक पॉम्पियो कंफ्यूजन के साथ अक्षिता 19 जनवरी श्रीनिधि 19 जनवरी के साथ कुछ लोग 20 कह रहे कुछ लोग 21 दोस्तों यहां तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका बीस जनवरी क्या होगा बीस जनवरी करेक्ट आंसर होगा ठीक है गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के थे दोस्तों ये ये दसवें नंबर के थे टेंथ नंबर के थे ना गुरु गोविंद सिंह ठीक है ये याद रखेगा इन्होंने दोस्तों क्या खोज की थी भैया खालसा फॉर्म किया था क्या दोस्तों जल्दी से बताइए खालसा फॉर्म किया था क्या और दोस्तों हर साल ये मनाया जाता है कब बीस जनवरी को ये याद रखेगा बारह जनवरी को ट्वेल्थ जनवरी को हम लोग मनाते हैं विवेकानंद जी को याद रखते हुए क्या मनाते हैं हम लोग यूथ डे क्या दोस्तों यूथ डे मनाया जाता है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ वॉजन इन विच फाइव ईयर प्लान कौन से पंचवर्षीय योजना में समान समानी विकास शब्द का उल्लेख किया गया है एट फाइव ईयर प्लान नाइन्थ फाइव ईयर प्लान टेंथ फाइव ईयर प्लान और इलेवंथ फाइव ईयर प्लान यस मनीषा जी बिल्कुल सही है ऋषिता बहुत बढ़िया यहाँ पे माइक पॉम्पियो कह रहे है, सर एट है प्राची जी कह रही है अंजलि बिल्कुल सही, है, बिल्कुल सही है, रिया बिल्कुल सही है जो भी इलेवन के साथ करेक्ट आंसर होगा इलेवंथ फाइव ईयर प्लान ये कब से कब था दोस्तों दो से दो था क्या जल्दी से बता दीजिए क्योंकि दो से दो कौन सा था बारवा था जो कि आखिरी था ठीक है लास्ट था ट्वेल्थ नंबर का नंबर का दो हजार सात से दो हजार बारह आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यूनियन ऑफ रेलवे कहाँ है रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ का लंडन यूके में है पेरिस फ्रांस में है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है रोम इटली में है जल्दी से बताइए फटाफट बताएंगे सभी लोग जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से बताइए यहां पे पेरिस 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 कह रहे हैं। दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा पेरिस ठीक है याद रखिएगा। किसकी बात की गई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे अच्छा दोस्तों एक बात बताइए भारत में रेल कब स्टार्ट हुई भारत में रेल कब स्टार्ट हुई अठारह में हुई थी क्या जल्दी से बताइए किसके समय में हुई थी डलहौजी के समय में है ना कहा से कहां तक ट्रेन चली थी दोस्तों मुंबई टू थाने चली थी कहां से मुंबई से थाने और दोस्तों कितने किलोमीटर चली थी चौतीस किलोमीटर ठीक है आगे बढ़े और सबसे बड़ा अच्छा दोस्तों लंबा जो हमारे यहां रेल चलता है वो चलता है डिब्रूगढ़ टू कहां पे कन्याकुमारी चलता है क्या विवेक एक्सप्रेस जिसको हम कहते हैं विवेक एक्सप्रेस ठीक है डिब्रूगढ़ से कहां पे कन्याकुमारी आगे बढ़े वेरी गुड अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हु द फॉलोइंग इज दोन एज देश बंधु निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सी आर दास और नन दी अबो। यहां पे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आ, मिस्टर खिलाड़ी अलोन श्रीनिधि माइक पॉम्पियो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर क्या किए थे इन्होंने पार्टी नहीं की थी स्वराज पार्टी फॉर्म बनाई थी क्या की थी स्वराज पार्टी को फाउंड किया था ठीक है याद रखिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन अच्छा पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी दोस्तों उन्नीस में कब हुई थी उन्नीस सौ उन्तीस में या, याद रखिएगा लाहौर सेशन लाहौर सेशन रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था चले आगे अगला क्वेश्चन द माउंटेन रेज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया भैया यूरोप से एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है एंडीज हिमालय और उल्फ यहां पर हाँ जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था अनफर्ट झंडे को फटाफट -फड़ बताइए उराल उराल माउंटेन दोस्तों जो भी यहां पे उराल कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है और सबसे बड़ी कौन सी तो दोस्तों रेंज एंडीज रेंज थी सात हजार किलोमीटर याद है ना आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भैया ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है सिडनी कैनबेरा क्वींसलैंड और पर्थ सारे आपको ऑस्ट्रेलिया के दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ बहुत से लोग सिडनी बोल देते हैं बहुत से लोग यहाँ पे क्वींसलैंड कह देते हैं बहुत से लोग बिल्कुल अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा कैनबेरा अगर दोस्तों ऑस्ट्रिया पूछा जाता ऑस्ट्रिया तब अपना आंसर क्या होता है वीना क्या होता वीना आंसर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ द बारबरा हिल केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बराबर सॉरी बराबर पहाड़ी की गुफा कौन भारत के किस राज्य में है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार और असम फटाफट बताएंगे कहां पर है यहां पे बिहार बिहार तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहां पर दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा बिहार क्या होगा बिहार बिहार करेक्ट आंसर होगा जहनाबाद डिस्ट्रिक्ट क्या दोस्तों जहनाबाद डिस्ट्रिक्ट कहां पे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ द राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दो हजार इक्कीस इज गोइंग टू हेल्थ दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव दो हजार इक्कीस किस, किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है वेस्ट बंगाल राजस्थान तमिलनाडु और मध्य प्रदेश फटाफट बताइए यस yes, बिहार इज द करेक्ट आंसर पिछले का फटाफट बताएंगे दोस्तों यहां पे कह रहे सर एमपी तमिलनाडु दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल क्या होगा वेस्ट बंगाल इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों कोलकाता अब दोस्तों कोलकाता को क्या कहा जाता है निकनेम इसका क्या है सिटी ऑफ जॉय क्या दोस्तों सिटी ऑफ जॉय है ये याद रखेंगे देखिए दोस्तों सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल किसको कहते हैं बंगाल ये कहते हैं अपन दामोदर नदी को किसको कहते हैं दामोदर नदी को क्यों कहते हैं भैया ये बाढ़ ले आती है ऐसे दोस्तों सौरव ऑफ बिहार किसे कहते हैं दोस्तों सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है किसको इसको कहते हैं हम लोग कोसी नदी को किसको कोसी नदी को और कोसी का नाम दोस्तों क्या है सप्त कोशी क्या दोस्तों सप्त कोशी क्यों सप्त कोशी नाम है इसके क्योंकि सात जो है ना सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज है, है। दोस्तों उड़ीसा का सौरव ऑफ उड़ीसा किसे कहते हैं सौरव ऑफ उड़ीसा सौर ऑफ उड़ीसा कहा जाता है दोस्तों यहां पे महानदी को किसको दोस्तों महानदी को ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी नेम्स इंसराइब इन द अशोकन पिलर ऑफ द फतेहा फतेहबाद के अशोकन स्तंभ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के नाम अंकित है मुगल स्लेव, तुगल तुगलक और सैयद जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ बताएंगे यहां पे कह रहे सर हां तुगलक तुगलक कुछ लोग सैयद कह रहे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तुगलक क्या होगा तुगलक यहां पे करेक्ट आंसर आग, सब भैया फाउंड किसने किया था

तुगलक डायनेस्टी, से, से क्या होगा डायनेस्टी, क्या होगा डायनेस्टी, और लो से क्या होगा लोधी दोस्तों, अब आप देख सकते इसी में थे। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यहाँ पे वेयर डज द अलकनंदा रिवर ज्वाइंट पिंडार नदी भैया अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम कहां पे होता है कर्ण प्रयाग में रुद्र प्रयाग में देव प्रयाग में या फिर विष्णु प्रयाग में जल्दी से बताइए दोस्तों जब दो नदियां मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस ठीक है वो कहां पर मिलती फटाफट फड़ बताइए जल्दी से बताएंगे कर्ण प्रयाग में कह रहे हैं ठीक है कुछ लोग ए ऑप्शन ए ऑप्शन मतलब कर्ण प्रयाग कर्ण प्रयाग दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा कर्ण प्रयाग होगा अच्छा दोस्तों एक बहुत फेमस है जहां पे गंगा नदी फॉर्म हो जाती कहां पे गंगा नदी गंगा नदी कहां से बोला जाने लगता है देव प्रयाग से ठीक है ये भी कॉन्फ्लुएंस है दोस्तों देव प्रयाग और यहां पे कौन सी नदियां मिलती हैं एक तो अलकनंदा आती है ठीक है दूसरी इसके साथ कौन सी मिलती है भागीरथी रिवर कौन सी दोस्तों भागीरथी रिवर ठीक है ये दोनों नदियां जब मिलती है तो देव प्रयाग में मिलती है उसके बाद हम गंगा कहना स्टार्ट कर कह देते हैं तो दोस्तों इसको कैसे याद किया था अलका भागी देव के साथ अलका भागी देव के साथ अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डैश हैज द पावर टू विथ एसेंट टू बिल स्टेट एंड रिजर्व इट फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ एसेंट राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक पर स्वीकृति रोकने और राष्ट्रपति के सहमति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति है गवर्नर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर गवर्नर होना चाहिए चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों और यहां पे गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है जिस तरीके से आपके पास राष्ट्रपति के पास, पास। किसके पास माफी देने की पावर है किसके पास प्रेसिडेंट के पास वो क्षमा देते हैं ना दोस्तों तो अपन जब फांसी लगती है तो अपन क्या करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति कहते हैं हमारा साथ दो भैया साथ मांग रहे होते हमारा साथ दो हमारा साथ दो हमारा साथ दो हमारा साथ दो ठीक है हमारा साथ दो ऐसी गवर्नर को दोस्तों दी जाती है वो किसमें दी जाती है एक सौ इकसठ में किसमें एक सौ इकसठ में ये याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नेम द प्लेट्यू विच लिग द्लेट्यू टू द साउथ विद द द इंडो प्लेन्स एंड छोटा नागपुर पठार का नाम बताइए जो डक्कन के पठार के सिंधु गंगा और मैदानों और छोटा नागपुर पठार से जोड़ता है भांडेर कोलार मालवा और सिगुरु सिगुर जल्दी से बताइए मालवा कह रहे हैं श्री निधि मालवा के साथ खिलाड़ी सी ऑप्शन मालवा तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भांडेर क्या होगा भांडेर करेक्ट आंसर होगा मालवा दोस्तों आपको एमपी और राजस्थान वाले एरिया वेस्टर्न साइड एमपी में मिलेगा आपको मालवा ठीक है याद रखिएगा दोस्तों डेकन प्लेट्यू की अगर बात करूं तो ये साउथ में मिलेगा ठीक है ये किस शेप का है दोस्तों डेकन प्लेट्यू ट्राइंगल शेप का है ट्राइंगुलर शेप का है आपके एग्जाम में पूछेगा तो भैया ट्राइंगुलर शेप का है नीचे इस तरीके से होता है ये दोस्तों आठ राज्यों को क्या करता है भैया अपने अंतर्गत लाता है आठ राज्यों को जैसे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एमपी ऐसे करके आठ अपने राज्य आते हैं में अगला क्वेश्चन दोस्तों द मैटर्स ऑफ कैन बी इन भैया पंचायतों के चुनावी मामलों की पूछताछ की जा सकती है पंचायत कोर्ट में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में और नन ऑफ दी अबो में बताइए कहां पे पंचायत मामले कर सकते हैं डिस्कस यहां पे कह रहे हैं सर पंचायत कोर्ट में होना चाहिए अनिमेश ऐसा कह रहे हैं सुनील कह रहे सर हाई कोर्ट में होती है श्वेता कह रहे सर ऑप्शन नंबर वन तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा भैया नन ऑफ भैया इनमें से कहीं भी नहीं की जाती है ये याद रखिएगा अच्छा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट की बात की गई है सबसे पहले बड़े भैया सबसे बड़े कौन है सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट कहा कौन से नंबर पे आते हैं भैया कौन से अनुच्छेद में आते हैं ये आते हैं 124 सौ चौबीस में किसमें आते हैं 124 में आते हैं फिर छोटे भैया छोटे भैया मतलब हाई कोर्ट हाई कोर्ट रोने लगे कहे कि सर आप तो अपना नंबर ले लिए हमें अभी कुछ नंबर दे दीजिए तो बड़े भैया ने कहा सेम डिजिट यूज करो मतलब आप वन टू फोर का ही यूज करो लेकिन नंबर सेम नहीं होना चाहिए तो इन्होंने क्या कर दिया आगे पीछे करके टू वन फोर कर दिया फिर आते हैं तो दोस्तों कौन यूटी के हाई कोर्ट किसके यूनियन टेरिटरी के अब ये भी रोने लगे सबसे छोटे भाई हैं ये तो सबसे छोटे भाई जब बोलने लगे तो इन्होंने क्या कहा कि भैया सेम नंबर सेम डिजिट यूज करना नंबर सेम नहीं होना चाहिए तो लेकिन आगे पीछे करके नंबर अलग अलग है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन अरे हाँ बिहू डांस इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है अरुणाचल असम उड़ीसा और हरियाणा जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे हैं सर आसाम 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आसाम इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आसाम की कैपिटल क्या है दिसपुर है क्या है दोस्तों दिसपुर है अच्छा दोस्तों इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है गुवाहाटी में है और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत अदर स्टेट के भी जुडिशियल आते हैं चार स्टेट के आते हैं तो आपका होमवर्क नंबर फोर क्या दोस्तों होमवर्क नंबर फाइव है शायद ठीक है होमवर्क नंबर फाइव कौन कौन से आते हैं चार आते हैं कौन कौन से आते हैं आपको बताना है असम का खुद का आता है और बाकी के भी आते हैं ठीक है जैसे अंडमान का किसके अंदर आता है यहां पर आपके कोलकाता में आता है मतलब कोलकाता हाईकोर्ट में ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज प्रोविजन फॉर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा भैया भारतीय संविधान के किस भाग में लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रावधान है पार्ट फाइव पार्ट सिक्स पार्ट थ्री और पार्ट फोर ए यहां पे दोस्तों होमवर्क है होमवर्क है यहाँ पे गौरव जी आप आंसर कर रहे हैं ठीक है यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर ए ए कुछ लोग थ्री कह रहे दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वन दोस्तों क्योंकि लोकसभा स्पीकर किसके अंतर्गत आएंगे यूनियन के अंतर्गत आएंगे और यूनियन किसमें था दोस्तों पार्ट फाइव में ही तो था यही तो अपन ने पढ़ा था और पार्ट सिक्स में कौन है स्टेट है ठीक है अब यहां पे गवर्नर जो होंगे सीएम वगैरह वो पार्ट सिक्स में आएंगे सिक्स में आएंगे पार्ट थ्री में दोस्तों फंडामेंटल राइट दिया हुआ है फंडामेंटल राइट right को दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है ठीक है ये याद रखिए पार्ट फोर ए में क्या दिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है क्या दी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज ये याद रखेंगे आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा लेकिन दोस्तों उससे पहले सभी को क्या करना है जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे अगला प्रश्न यहां पर आपके सामने द यूरो इज नॉट द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूरो निम्नलिखित देशों में से किसकी आधुनिक मुद्रा नहीं है द नीदरलैंड पोर्तुगाल एस्टोनिया और स्विटरलैंड जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए एस्टोनिया 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका होगा स्विट्जरलैंड क्या होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अब देखिए नीदरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों एमस्टरडेम क्या दोस्तों एम्स्टरडैम है ठीक है पोर्तुगल की क्या है दोस्तों लिस्बान है क्या दोस्तों लिस्बान है ठीक है एस्टोनिया की क्या है तलीन है दोस्तों एस्टोनिया की कैपिटल पूछी गई थी लेवल और uh, में और दोस्तों में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इकोनॉमिक क्लासिफाइज द मैनमेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन अर्थशास्त्र उत्पादन के मानव निर्मित साधन डैश को वर्गित करता है कैपिटल इक्विपमेंट लेबर और ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बताएंगे फटाफट बताइए लेबर कह रहे हैं कई लोग इकोनॉमिक्स क्लासीफाइज द मैनमेड इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन एस लेबर लेबर तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपका कैपिटल क्या होगा दोस्तों कैपिटल पूंजी ठीक है ये कैपिटल राजधानी वाली नहीं है पूंजी वाली है वेरी गुड यहां पे प्राची ने करेक्ट आंसर दिया है एपी क्रिएटेड ओके बहुत बढ़िया दीपक जी वेरी गुड आपका करेक्ट आंसर है गौरव कुमार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो भारत के नागरिक बने हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ द दसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ द एडोपन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नन ऑफ अबव जल्दी से बताइए ऑल ऑफ अबव कह रहे ऑल ऑफ दी है वो नन ऑफ अबव है यहाँ पे कह रहे हैं थ्री ऑप्शन होना चाहिए कुछ लोग वन कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे होगा सेकंड एट द द द टाइम ऑफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के के प्रारंभ समय दोस्तों यहाँ पे बात किसी की गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, की गई है ठीक है अगर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करते हैं तो वो किसके तहत बना था कैबिनेट मिशन प्लान किसके तहत दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना था उन्नीस में ठीक है दोस्तों याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दोस्तों कितने सेशन हुए थे ग्यारह सेशन हुए थे ठीक है दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन अगर बात की जाए सबसे पहला जो हुआ था वो नाइन्थ दिसंबर को हुआ था जहां पर सचिदानंद सिन्हा जो है वो टेम्प्रेरी क्या बने थे प्रेसिडेंट बने थे फिर 11 दिसंबर को दोस्तों परमानेंट बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बने थे एच सी मुखर्जी जी थर्टींथ दिसंबर दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू जी और वही बाद में क्या हो गया था प्रियम्बल में कन्वर्ट हो गया था आगे बढ़े बहुत बढ़िया टोटल कितने ग्यारह सेशन हुए थे और दोस्तों यहां पर संविधान जो वो साठ देशों के संविधान को पढ़ा गया था भैया उस समय और आप समझ सकते हो कितना पैसा खर्च हुआ था पैंसठ लाख उस समय खर्च हुआ था दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे अगला प्रश्न गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गिर वन स्थित है केरला गुजरात जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका जल्दी बताइए गुजरात गुजरात कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू गुजरात इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे केरला भी दिया है तो यहां पे पेर, पेरियार नेशनल पार्क है क्या दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क है ठीक है दोस्तों गुजरात में आपको कौन सा मिलेगा वांसदा मिलेगा गिर मिलेगा ठीक है ब्लैकबॉक मिलेगा ठीक है याद रखिए जम्मू कश्मीर में कौन सा मिलेगा दोस्तों जल्दी से बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सा मिलेगा चचिंगम मिलेगा चचिंगम ठीक है और दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क और सबसे पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 आगे बढ़े इसका पुराना नाम क्या था हेले नेशनल पार्क ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वड़कर रमेश पोखरियाल निशंक हाँ किश्तवार नेशनल पार्क बिल्कुल सही दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर करेंगे और क्या करना है फटाफट से लाइक करना है जल्दी जल्दी से पोखरियाल कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं पोखरियाल निशंक पोखरियाल दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दखिल दरवाजा इज लोकेटेड इन भैया दखिल दरवाजा किस में कहाँ पे स्थित है घटसिला मालदा ग्वालियर और वैशाली घटसिला द्वार जल्दी से बताएंगे कहां पर है कुछ लोग मालदा कह रहे हैं कुछ लोग ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट देखिए अब देखिए यहां पे कई लोग मैंने घटशिला बोल दिया तो घटशिला ही लगा दिया ठीक यहां पे दखिल दरवाजा पूछा गया है ठीक है घटशिला ही लगा दिया आप लोगों ने करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है मालदा कब बनाया गया था 1425 में बनाया गया था कब बनाया गया था दोस्तों 1425 में ठीक है याद रखिएगा दखिल दरवाजा आपका ऑप्शन आप, नंबर क्या होगा यहाँ पे बी होगा क्या होगा बी इज द कर वेरी गुड सदाब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा विच अमंग फॉलोइंग स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य भी कहा जाता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश जल्दी से बताइए चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों इसको और किस नाम से जाना जाता है पैराडाइस ऑफ बॉटनिस्ट क्या दोस्तों पैराडाइस के नाम से भी जाना जाता है ये याद रखिएगा ऑफ बॉटनिस्ट ठीक है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या थी दोस्तों जल्दी से बताइए ईटानगर क्या दोस्तों ईटानगर दोस्तों इधर पे हमने नेशनल पार्क पढ़ा था कौन सा पढ़ा था जल्दी से रिवाइज करिए नाम दफा क्या नाम दफा और कौन सा पढ़ा था माउलिंग नेशनल पार्क क्या दोस्तों माउलिंग दोस्तों यहां पर कौन सी ट्राइब पाई जाती है मोरपा ट्राइब क्या दोस्तों मोरपा या मोनपा उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं मोनपा आगे बढ़े अगला क्वेश्चन विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन इंडिया भैया भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है मजूली आइलैंड अंडमान आइलैंड आइलैंड या फिर लक्षद्वीप जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा आबादी वाला आइलैंड भारत में कौन सा है अब देखिए यहाँ पे सब अंडमान कह रहे हैं दोस्तों ध्यान से आंसर करना है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं कुछ लोग मजूली कह रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आइलैंड अभी आइलैंड सलसेते पे दोस्तों महाराष्ट्र में क्या है दोस्तों महाराष्ट्र में याद रखेगा ठीक है अच्छा दोस्तों सिटी ऑफ सेवन आइलैंड किसे कहा जाता है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड जल्दी से बताइए ये कहा जाता है मुंबई को किसको दोस्तों मुंबई को कहा जाता है याद रखिएगा सिटी ऑफ सेवन आइलैंड याद रखिएगा चलिए अगला प्रश्न अच्छा दोस्तों सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है अपने यहाँ वो है अंडमान निकोबार कौन सा दोस्तों अंडमान एंड निकोबार है सबसे छोटा कौन सा है लक्षद्वीप है कौन सा दोस्तों लक्षद्वीप अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कोरल आइलैंड कौन सा है कोरल से बना हुआ आइलैंड कौन सा है तो आप बोल सकते हैं लक्षद्वीप ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और हाँ एक फ्लोटिंग आइलैंड मजूली आइलैंड फ्लोटिंग आइलैंड कहां पे लोकटाक लेक याद है ना मजूली आइलैंड अगला क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम भैया ये तो बहुत सिंपल है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है यूरेनियस नेपच्यून सेट और जुपिटर फटाफट बताइए यस मणिपुर में बिल्कुल सही है फुमडी उसको कहते हैं छोटा छोटा जो आए, बना होता है ना उसको हम कहते हैं फुमडी लोकटक में जो है वो फुमडीज कहलाती है जुपिटर जुपिटर कह रहे हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे जुपिटर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जुपिटर का सबसे पहले क्या से? थे ज्यादा उपग्रह थे थे लेकिन अभी उपग्रह कितने हैं इसके भैया इसके तो उपग्रह सेवेंटी नाइन ही है लेकिन सैटन के दोस्तों कितने हो गए हैं 82 हो गए सबसे ज्यादा उपग्रह जो मिल गए हैं वो किसके मिल गए भैया सेटन के मिल गए हैं ये याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे यूरेनस के कितने हैं 27 हैं कितने 27 हैं दोस्तों मरकरी और वीनस के तो एक भी नहीं है एक भी नहीं है ठीक है मार्स का दोस्तों एक फेमस है कौन सा है फोबोस और डेमोस क्या दोस्तों दो है फोबोस एंड ठीक है जुपिटर का सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है गैनीमिड कौन सा है का एक बहुत फेमस है 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 दोस्तों दोस्तों टाइटन टाइटन क्या ठीक आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके आंसर यूजिंग द कोड बिलो लिस्ट दोस्तों आपको एक जगह रेलवे जोन दिया हुआ है एक जगह हेडक्वार्टर दिए हुए हैं जैसे वेस्ट सेंट्रल ठीक है जबलपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल गोरखपुर ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर नॉर्थ ईस्ट हाजीपुर आपको करेक्ट मैच करना है आपको जल्दी से बताइए यहां पर एक बार फिर से बोल देता हूं रेलवे जोन वेस्ट सेंट्रल साउथ सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर जबलपुर गोरखपुर बिलासपुर और हाजीपुर जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर फोर ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा फोर होगा कैसे भैया आपको पता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे कहां पर है यह आपका जबलपुर में है तो का वन होना चाहिए का अवन आपका ऑप्शन नंबर टू में है और फोर में है बाकी में नहीं है बाकी को डिलीट मारिए फिर दोस्तों आपका क्या है साउथ ईस्ट तो दोस्तों साउथ ईस्ट का कहां पे है दोस्तों बिलासपुर में है, तो का थ्री तो बी का थ्री आपको ऑप्शन नंबर फोर में मिल रहा है टू में नहीं है कैंसिल आउट अगला क्वेश्चन हु द फॉर्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इन सितंबर 2021 सितंबर 2021 में फॉर्मुला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता निको रोसबो ने Sebastian ने, Nico ने, या फिर Daniel Ricciardo ने। जल्दी से बताएंगे यहां हैं सभी लोग चले यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर होगा डेनियल रिसो करेक्ट आंसर यहां पे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स सितंबर 2021 की बात की जा रही है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों वैन इज द वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है पांच फ़रवरी दो फ़रवरी तीन फ़रवरी आठ फ़रवरी जल्दी से बताइए दोस्तों करंट अफेयर आपके 2021 के सीजीएल में भी पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू लेवल और में भी पूछे गए इसलिए मैं अभी 2021 हजार इक्कीस के लिए आपके लिए 2021 वाले लेकर आया हूं क्योंकि 2022 के तो आप ऑलरेडी कर रहे हो दिन प्रतिदिन 2022 के ही कर रहे हो ना आप तो डेली बेसिस पे लेकिन 21 का आप भूल चुके हो क्योंकि वो छह सात महीने पुराने हो चुके हैं और दो का करके जाना है दोस्तों सीजीएल में दो के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे आखिरी के तीन महीने के अब देखिए एस एस सी सीजीएल भी लेता है सीएचएसएल भी लेता है तो चांसेस है कि यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं ठीक है थीके? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दो फरवरी अच्छा दोस्तों वेटलैंड ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसमें क्या करते हैं वेटलैंड को रामसर साइड दिया जाता है दर्जा क्या दिया जाता है भैया रामसर साइड के अंतर्गत आ जाते हैं ठीक है थीके? सबसे बड़ा रामसर साइड दोस्तों अपने यहाँ इंडिया में कौन सा है सुंदर डेल्टा कौन सा दोस्तों सुंदर डेल्टा ठीक है याद रखिएगा और दोस्तों ये रामसर एक्चुअली पड़ा क्यों तो दोस्तों ये ईरान में डिसाइड किया गया था कि हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐसी साइट मतलब बताएंगे जो उसको रामसर साइट के अंदर आ जाएगा ईरान में एक जगह है रामसर ठीक है इसलिए दोस्तों रामसर साइट कहने लगे इसको अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इस जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक डैश है तीसरी पांचवी सातवीं और नौवीं जल्दी से बताइए यस बिल्कुल सही है आप नवदीप कह सर सातवीं हैं विवेक कैरे सर सातवी है तोमर जी आ, अर्शिया तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर है सेवंथ ठीक है याद रखिएगा सेवंथ यहाँ पे करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बिटवीन विच ऑफ द टू प्लेनेट अर्थ लोकेटेड भैया ये बहुत सिंपल सा हो गया यहाँ पे पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच में है मरकरी वीनस ये सब आपके दिया हुआ है दोस्तों ये है सन बाबा कौन है दोस्तों सन बाबा मतलब सूरज ठीक है अब ये मरकरी वीनस अर्थ मार्स फिर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पे है तो यह एस्ट्रॉइड बेल्ट फिर आता है जुपिटर सैटन यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को हटा दिया गया है मतलब चार इनर प्लेनेट चार आउटर प्लेनेट जो इनर प्लेनेट प्लेनेट है दोस्तों उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं अर्थ हमारा वी और ई एम के बीच में आ रहा है तो मतलब वी और एम कहाँ है वी एम यहां पर है ठीक है वीनस और मार्स और वीनस और मरकरी है ठीक है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मरकरी सबसे पहला है ठीक है मार्स यहां पर है तो वीनस और मार्स ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़े अगला क्वेश्चन और दोस्तों वीनस को क्या कहा जाता है ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं ट्विंस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन ठीक है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द राजस्थान फर्स्ट सुगर मिल सेटअप राजस्थान की पहली चीन मिल की स्थापना कहां हुई थी चित्तौड़गढ़ में अविकंगनागा में जैसलमेर में या जालोर में जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जी बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भूपल सागर चित्तौड़गढ़ क्या दोस्तों भूपल सागर चित्तौड़गढ़ में है ठीक है कहां पे भूपल सागर चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा पहला मील भूपल सागर चित्तौड़गढ़ अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा एन एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नोन एज ऐसा वह जो किया गया है और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे डैश के रूप में जाना जाता है स्पेशल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड कॉस्ट जल्दी से बताइए कौन सी कॉस्ट होगी भैया यहां पे कह रहे सर ओल्ड दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है संक कॉस्ट यहां पे करेक्ट आंसर हो क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री संघ कॉस्ट डूब लागत भैया जो डूब जाता है इंडियन in में, में संघ सूची का हिस्सा नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नवल मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क पोस्ट ऑफिस सेविंग्स मार्केट एंड फेयर्स जल्दी से बताइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कुछ लोग मार्केट एंड फेयर्स कह रहे हैं कुछ लोग यूएन कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के स्वयं लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ऑफ दी अबो जल्दी से बताइएगा वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो जी हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होंगे भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में, में, में है ठीक है अच्छे दोस्तों ये कहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे यहाँ पे राज्यसभा के वो कहा गया अनुच्छेद चौसठ में किसमें दोस्तों चौसठ में कहा गया है ठीक है ये याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड भैया यहां पे बताना भारतीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, कहा है? देहरादून भोपाल जयपुर और दिल्ली इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है दोस्तों कुछ लोग कह रहे सर देहरादून होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर भोपाल होना चाहिए ठीक है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका देहरादून दोस्तों इसको फाउंड कब किया गया था इसको फाउंड किया गया था 1878 में कब क्या दोस्तों अच्छा, मार्च दोस्तो, दोस्तो, को मनाया जाता है या फिर 21 अप्रैल को लीजिए दो ऑप्शन दे देते हैं 21 मार्च को या फिर 21 अप्रैल को यहां पे श्री निधि कह रहे सर 21 मार्च होना चाहिए अच्छा 21 तो मैंने भी बता दिया है अच्छा इक्कीस अप्रैल भी कह रहे हैं ठीक है, है चलिए इक्कीस मार्च इक्कीस मार्च कुछ लोग इक्कीस अप्रैल कह रहे हैं दोस्तों किसको करेक्ट करके आइएगा होमवर्क है ये आपका ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको करना है दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इक्कीस मार्च या फिर इक्कीस अप्रैल ठीक है चलिए वैसे हालांकि बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पे आपको दो हजार इक्कीस का फिर से करंट अफेयर अक्टूबर दो में निम्नलिखित में से किसके, आ, किसके बोर्ड ने मध्य प्रदेश और बीना तेल रिफाइनरी के संचालन के करने वाली इकाई के लिए अपने साथ विलय को मंजूरी दे दी हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑयल इंडिया या फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहां पे बीपीसीएल बीपीसीएल कह रहे हैं दोस्तों ठीक है यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगला क्वेश्चन हु डिजाइंड द मध्य प्रदेश विधान भवन दोस्तों मध्य प्रदेश विधान भवन किसने डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने महेंद्र राज ने सतीश गुजराल ने और लॉरी बेकर ने दोस्तों आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा इंडिया गेट किसने डिजाइन किया ठीक है इंडिया गेट किसने किया था एडविन लुटियन ने किया था राइट दोस्तों एडविन लुटियन ने ठीक है फिर आपसे पूछ लिया जाता छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसने किया था या फिर गेटवे ऑफ इंडिया तो विटेड ने किया था किसने किया था विटेड ने किया था ठीक है ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बोल रहे हैं सर कि महेंद्र महेंद्र दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे चार्ल्स कोरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्या है चार्ल्स कोरिया ऑप्शन नंबर वन क्या है ऑप्शन नंबर वन वेरी गुड आगे बढ़े गुजराल नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन है वेरी गुड ऋतिका ऋतिक सिंह अगला क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी और पंद्रह अगस्त जल्दी से बताएंगे कि भैया भारत में हम संविधान दिवस कब मनाते हैं और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट फड़ से शेयर करेंगे और क्या करेंगे जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे फटाफट फड़ से यहां पे कह रहे सर ये तो बड़ा ऐसी है छब्बीस नवंबर छब्बीस नवंबर दोस्तों आपको पता होना चाहिए छब्बीस नवंबर कब दोस्तों छब्बीस नवंबर नाइनटीन को अपना क्या बन गया था भैया संविधान पूरा बन गया था लेकिन हमने क्या किया 26 जनवरी कब दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली इसको क्या करवाया लागू करवाया क्यों क्योंकि इससे 20 साल पहले हमने क्या किया था उसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द ऑफ ऑफ दॉक्टर किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत का सिद्धांत की शुरुआत की मॉन्सेल डलहौजी और जल्दी से बताइए यहां पे सी ऑप्शन कह रहे हैं सर डलहौजी डलहौजी तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर क्या होगा लॉर्ड डलहौजी अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कैसे डी से डलहौजी डी से डॉक्ट्रिन ऑफ से दोस्तों इन्हीं के समय में क्या हुआ था विडोरी मैरिज भी हुआ था भैया विडोरी मैरिज एक्ट आया था अठारह छप्पन था क्या दोस्तों जल्दी से बता दीजिए अठारह सौ छप्पन था क्या और दोस्तों इन्हीं के समय में क्या चली थी ट्रेन चली थी अट्ठारह सो तिरपन में रेल ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अ रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन टीकमगढ़ टीकमगढ़ में उत्पन्न होने वाली नदी को पुष्पवती भी कहा जाता है इस नदी का नाम है पानपति या केन चंबल और पहुज जल्दी से बताइए क्या है नदी का नाम कई लोग केन कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे दोस्तों यहां पे केन नदी के साथ अधिकतर लोग जा रहे हैं लेकिन करेक्ट आंसर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आपको फंसाएंगे मान के रखिए दोस्तों स्टैटिक जीके अभी जिस हिसाब से देखी गई है ना दोस्तों सीजीएल में और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू लेवल फोर सिक्स में तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कंफ्यूज करते जैसे यहां पे आप हो गए कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए यहाँ पे करेक्ट आंसर पहुंच क्या दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पहुंच पहुज यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए एमपी से निकलती है और बहती हुई कहां से जाती है झांसी उत्तर प्रदेश झांसी से बहती हुई जाती है ठीक है याद रखेगा पहुज द करेक्ट आंसर चंबल कहां से निकलती है दोस्तों चंबल निकलती है जना पवा हिल से यह पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम जना पवा हिल दोस्तों क्यों क्योंकि इसमें यह पूछा गया था बिहड़ नदी बिहड़ नदी कौन सी होती है तो बिहार नदी आपको पता होना चाहिए जिसमें टीले जैसे होते हैं टीले जैसे चंबल के डाकू क्या होते थे छुप छुप के इसी से गोलियां मारते थे ठीक है इसको बोलते बिहड़ नदी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यहां पे गरीब गरीब थाली फोर्ट इज भैया सॉरी गढ़ बिठाली किला कहां पर है सॉरी तारागढ़ फोर्ट को बोलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को या रणथंबोर को किसको बोलते हैं बताइए गढ़बिथली या फिर गढ़ बिठली बोलते हैं जल्दी बताइए फटाफट बताएंगे दोस्तों मेहरगढ़ बोल रहे हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं फटाफट बताइए यहाँ पे अब देखिए कंफ्यूज हो गए ऐसे क्वेश्चन में फिर से कंफ्यूज ठीक है आपको पता होना चाहिए ये अजमेर के पास में है और इसको दोस्तों क्या बोलते हैं तारागढ़ क्या दोस्तों तारागढ़ अजमेर का तारागढ़ फोर्ट ठीक है याद रखिएगा ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों ये गिरी फोर्ट का एग्जाम्पल है किसका है गिरी फोर्ट का ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जीन बैप्सिस्ट कोलबर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनिंग विच इकोनॉमिक टर्म भैया जीन बैप्सिस्ट कोलबर्ट ने किस आर्थिक शब्द का गढ़ा था फेयर मार्केट या फिर सरप्लस वैल्यू फेर या ऑफ़ फटाफट बताएंगे पिछले का तारागढ़ बिल्कुल सही था का फटाफट बताएंगे लेजेस फेयर कह रहे हैं कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं बी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं सर सी ऑप्शन होना चाहिए फटाफट से बताएंगे करेक्ट क्या होगा लेजेस्ट फेयर लेजे ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे जो भी के साथ जा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है ठीक है जीन ने वर्ड दिया था ये लगभग सत्रह सो इक्यावन में ये देखने को मिला था ठीक है ये याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब दोस्तों यहां पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ थे ना दोस्तों एडम स्मिथ आगे बढ़े अगला क्वेश्चन फेस्टिवल ऑफ अंथुरियम इज सेलिब्रेटेड इन भैया उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में मणिपुर में आसाम में या नागालैंड में दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के त्यौहार पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर का आते हैं जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जो है, वो कहां पे मनाया जाता है क्या मिजोरम में कहा जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर आसाम कुछ लोग कह रहे सर मीजो जो दोस्तों यहाँ पे मीजो के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों ठीक है अब दोस्तों मिजोरम में मनाया जाता है अब इसमें एक और त्यौहार अच्छा सा मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं चिप चिपचोकर कर क्या दोस्तों चिपचोकर भी त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम की कैपिटल क्या है दोस्तों एजवाल है क्या दोस्तों एजवाल है याद रखिएगा ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल है इम्फाल नागालैंड की कोहिमा क्या दोस्तों कोहिमा आसाम की गुवाहाटी मत बोलना दोस्तों दिसपुर क्या दिसपुर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द वैली ऑफ कश्मीर आ, पंद्रेथन इज द नेम ऑफ कश्मीर घाटी के संदर्भ में पंद्रेथन डैश नाम आ, का नाम है सिटी रिवर लेक या मॉन्यूमेंट किसका नाम है बताइए फटाफट बताइए दोस्तों किसका नाम है दिसपुर हाँ जी फटाफट बताइए दोस्तों कश्मीर पंद्रेथन यहां पे कह रहे सर सिटी सिटी अच्छा चलिए सिटी है तो कौन सी सिटी है बताइए कौन सी सिटी है करेक्ट आंसर सिटी है सिटी ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं दोस्तों सिटी ऑफ श्रीनगर आगे बढ़े श्रीनगर को श्रीनगर को कहा जाता है पंद्रेथम ठीक है नेम ऑफ सिटी जो कि श्रीनगर है अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ओनली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें और प्रोजेक्टर हमें वो चयन करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस के यहां पे नाम दिए गए और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे और क्या करेंगे लाइक करेंगे फटाफट से यहां पे डी ऑप्शन डी ऑप्शन दिनेश हिमांशु ओके वर्षा ओके कमरान ऋतिक बहुत बढ़िया डी ऑप्शन के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन क्यों क्योंकि देखिए कीबोर्ड दोस्तों यहां पे इनपुट है तो ये तो होगा नहीं ठीक है दूसरा यहां पे देखिए माउस है माउस से भी इनपुट डिवाइस है ठीक है जॉयस्टिक भी इनपुट ही है ठीक है और फिर उसके बाद दोस्तों यहां पे माउस और कीबोर्ड तो ये भी ऐड जाएगा यहाँ पे दोस्तों मॉनिटर प्रिंटर और प्रोजेक्टर जो है सारे के सारे आउटपुट है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता आख्या 2021 में कौन से स्थान पर है 148 139 115 और 140 बताइए हमारे भारत की रैंक इसमें आती है जल्दी से बताएंगे बोले सर वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन दोस्तों यहाँ पर बताइए इतना अपन लोग हंस हंस के पढ़ाई करते हैं इतना मजे के साथ पढ़ाई करते हैं ये पता नहीं इन लोग को यूएन वालों को दिखता क्यों नहीं है कि भाई भारत के लोग खुश है ठीक है भारत के लोग खुश है फिर भी हमारा सलाह वन थर्टी नाइन कितना दोस्तों वन थर्टी नाइन लगा के रखा है कितना वन थर्टी नाइन हमसे खुश तो ज्यादा हमारे पड़ोसी देश को कर रखा है पाकिस्तान को पाकिस्तान की रैंक भैया एक सौ इक्कीस बोल रखी है इन्होंने मतलब हमसे ज्यादा खुश है ये लगता तो नहीं है कि खुश है फिर भी चलिए एक सौ इक्कीस बता दिए सबसे बेकार तो भैया अफगानिस्तान तो ही रहता है इतना हसेंगे इतना हसेंगे कि इसको ना हम वन थर्टी नाइन से वन पे लेके चलेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन नेम द मॉस्किन इन भोपाल नोन एज द क्राउन ऑफ मॉस्किस एंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इन इंडिया भोपाल में मस्जिद का नाम क्राउन ऑफ द मास के नाम से जाना जाता है और यह भारत में सबसे बड़ी आ, बड़ी भी है जामा मस्जिद मलिक मलिक मुगी मस्जिद मोती मस्जिद या फिर ताज उल मस्जिद हां फिनलैंड टॉप पे भैया फिनलैंड यहाँ पे बहुत खुश आदमी है हेलेंसकी उसकी कैपिटल है बहुत बढ़िया बताइए कौन सी भैया यहाँ पे भोपाल में ठीक है कुछ लोग ऑप्शन नंबर टू कह रहे हैं कुछ लोग थ्री कह रहे हैं ठीक है यहां पे मोती मस्जिद दोस्तों मोती मस्जिद कहां से भोपाल में कहां से यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर ताज उल मस्जिद यहां पे करेक्ट आंसर है दोस्तों इसको भारत का भी क्या माना जाता है कि सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है एशिया में भी इसका नाम आता है ठीक है ताज उल मस्जिद अगला क्वेश्चन इन विच सिटी ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी पर्वत है आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर सिक्किम आसाम या फिर उत्तराखंड जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे सर उत्तराखंड उत्तराखंड चलिए दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड ठीक है दोस्तों कितनी हाइट थी इसकी कितनी हाइट थी इसकी सेवन एट वन सिक्स मीटर थी क्या जल्दी से बताइए सेवन एट वन सिक्स मीटर थी नंदा देवी की और नंदी हिल कहां पे दोस्तों नंदी हिल जल्दी से बताइए दोस्तों नंदी हिल कहां पर है जल्दी से बताइए नंदी हिल वेरी गुड विवेक सब सबने चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा भी ये बताइए पे है? यूके में? यूनाइटेड किंगडम? नहीं नहीं अच्छा उत्तराखंड नहीं नहीं वहां पे भी नहीं है तो है फिर लिया जाएगा अगला क्वेश्चन विच ऑफ दिवर डॉट ओरिजिनेट इन द इंडियन टेरिटरी भैया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है चेनाब रवि महानदी और ब्रह्मपुत्र फटाफट बताइए जल्दी से बताएंगे दोस्तों यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र डी ऑप्शन के साथ जा रहे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र अच्छा दोस्तों ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से नियर मानसरोवर होगा तिब्बत से कहां से तिब्बत से

फटाफट फड़ बताएंगे दोस्तों अखनूर फोर्ट इन जम्मू कश्मीर बिल्ट ऑन विच रिवर चलिए यहां पे कह रहे हैं सर झेलम झेलम कुछ लोग चेनाब चेनाब तो दोस्तों जो चेनाब के साथ जा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ये पता हूं इसको बना कब था 1802 में कंप्लीट हुआ था हालांकि वो सत्रह में स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट हुआ था अठारह में अच्छा दोस्तों चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है अस्किनी है क्या ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो अस्किनी नाम है क्या फटाफट फड़ से बता तो दीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते जैसे रावी नदी का क्या है पुरुषनी है तो चेनाब नदी का क्या है अस्किनी कि नहीं चलिए है तो बोल रहे हैं है है तो चलिए बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन वेयर द तो फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व सेंचुरी क्रिएटेड भैया पहला हाथी रिजर्व या अभ्यारण कहा बनाया गया असम में कर्नाटक में झारखंड में और केरला में जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए असम असम कुछ लोग केरला कह रहे हैं कुछ लोग असम कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर है आपका झारखंड में कहां पे दोस्तों झारखंड इज द करेक्ट आंसर ना असम है ना केरल है ना कर्नाटक है अच्छा दोस्तों ये आपको हाथी जो मिलेंगे ना वो कर्नाटक और केरल की तरफ ज्यादा मिलते हैं ये याद रखिएगा 1992 में एलिफेंट प्रिवेंशन स्टार्ट किया गया था दोस्तों आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में टाइगर रिजर्व कब किया गया था नाइनटीन में एलिफेंट नाइनटीन में ठीक है याद रखेंगे आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स आर में अरे ये तो हो चुका है भाई ये कहां से आ गया चलिए फॉलोइंग प्लेयर वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हजार इक्कीस किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हजार इक्कीस का महिला एकल खिताब जीता सेरेना विलियम्स नाओमी ओसाका जेनिफर बार्डी और सोफिया कैनन जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर नौमी नौमी ओसाका दोस्तों दो है ध्यान से दीजिएगा आंसर कहीं ऐसा ना हो फिर से कंफ्यूजन में आके गलत कर जाओ ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा नौमी ओसाका ठीक है आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने विच फोर्ट इज नोन एज सुवर्ण गिरी या फिर सोनागिर भैया किस किले को सुवर्ण गिरी या फिर सोनागिरी के नाम से जाना जाता है महे मेहरनगढ़ फोर्ट ऑफ जालोर जासलमेर फोर्ट और जयपुर फोर्ट जल्दी से बताइए भैया स्वर्णगिरी या, या फिर सोनागिरी किसे कहा जाता है ये कह रहे हैं सर जैसलमेर जैसलमेर तो दोस्तों ध्यान से यहां पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर आपका फोर्ट ऑफ जालोर दोस्तों ये परमार के अंतर्गत बनाया गया था कौन से परमार डायनेस्टी के अंतर्गत बनाया गया था ठीक है कहां पे है राजस्थान में दोस्तों कहां पे राजस्थान में याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अच्छा दोस्तों जालोर को ना ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ एब्जेक्टिविकल पॉलिसी इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति उद्देश्य नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस स्टेबिलिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इनकम या फिर रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जल्दी से बताएंगे यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट फड़ से यहां पे ऑप्शन नंबर बी आना स्टार्ट हो गया कुछ लोग डी कह रहे हैं चलिए यहां पे दोस्तों कई लोग ए ऑप्शन कह रहे कई लोग बी ऑप्शन कह रहे कई लोग डी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है आपका है करेक्ट आंसर है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यहां पे नहीं होगा अब से दोस्तों फिजिकल पॉलिसी क्यों यूज की जाती है अपनी अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए है ना जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है महंगाई को कम करने के लिए क्या की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी और इसको कौन देखता है मॉनिटरी पॉलिसी को दो तो फिजिकल पॉलिसी को तो फाइनेंस तो मिनिस्टर तो लोग देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है मोनिट्री पॉलिसी को भैया कौन देखेगा आरबीआई देखेगा मॉनिटरी पॉलिसी देखने के लिए भैया क्या किया जाता है जल्दी से बताइए जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद और यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है ये याद रखिएगा आगे बढ़े इन्फ्लेशन दोस्तों इसी से कंट्रोल होता है अपना इन्फ्लेशन ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों क्या आएगा आपका रेपो रेट आएगा ठीक है आरबीआई क्या कंट्रोल करेगा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आरआरआर आर आर, फिर क्या करेगा सीआरआर और क्या करेगा एसएलआर ये चार दोस्तों इससे ही क्या करता है महंगाई को कंट्रोल करता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट यहां पे कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा ओ भाई हाँ चलो गुरुद्वारा धमतान साहेब वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक गुरु तेग बहादुर और नन ऑफ दबो जल्दी से बताइए दोस्तों यस वेरी गुड प्रियंका सी आर आर और एस एल आर दोस्तों अभी इतना टाइम नहीं है नहीं तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता जैसे रेपो रेट जो होता है वो कौन लेता है आरबीआई बैंकों पे लगाता है ठीक है रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा हो जाता है मतलब जो बैंक होती है वो आरबीआई पे लगाती है फिर सी आर आर क्या होता है जो क्या कहता है एज अ सिक्योरिटी आरबीआई रखती है बैंकों का पैसा ठीक है और एस एल आर जो होता है जो कि आरबीआई कहती है कि आपको अपने पास रखना है पैसा ठीक है मतलब देना नहीं है उसको रखना है ठीक है यहाँ पे कह रहे हैं सर थ्री ऑप्शन होना चाहिए तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा गोविंद के गुरु थे दोस्तों, ये थे. कौन से दोस्तों? थे. याद रखिएगा लिस्ट, लिस्ट टू दोस्तों एक तरफ आपको मिनरल दिया हुआ है एक तरफ आपको एरिया दिया हुआ है मिनरल है लेड जिंक कॉपर बेरिलियम आयरन और रामपुरा अगुचा बंदेरी सिंदरी चांदमरी और मुरीजा बताइए कहां पर क्या पाया जाता है दोस्तों फटाफट से शेयर करेंगे और क्या करेंगे लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से चलिए यहां पे कह रहे हैं थ्री ऑप्शन थ्री ऑप्शन तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन है क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन अब देखिए आपको पता होना चाहिए लेड और जिंक आपको रामपुरा में ही मिलेगा पे रामपुरा में तो वन का ए तो वन का ए आपको यहाँ पे मिल गया और टू का ये दोस्तों आपको मिलेगा कॉपर दोस्तों कॉपर आपको ना एक जगह और मिलेगा पे दोस्तों खेतरी पे दोस्तों खेतरी जिला में खेतरी डिस्ट्रिक्ट ठीक है कॉपर विलेज वाई विलेज का ही नाम कॉपर है याद रखिएगा कहाँ पे खेतरी जिला और राजस्थान में ये भी याद रखिएगा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इन ऑफ़ द फॉलोइंग ईयर द लोकसभा इलेक्शन वर पोस्टपोन ड्यू टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के, के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित किए गए थे उन्नीस सौ चौहत्तर सतहत्तर पचहत्तर और छिहत्तर पचहत्तर कह रहे हैं कई लोग सतहत्तर कह रहे हैं यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1977 इतना छोटा कैसे हो गया 1977 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों इमरजेंसी अपने यहां तीन होती है एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती कौन सी नेशनल इमरजेंसी एक होती है आपकी प्रेसिडेंट रूल क्या होती है प्रेसिडेंट रूल और एक होती है, है। प्रेसिडेंट रूल दोस्तों में दिया गया है और फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी दोस्तों नेशनल इमरजेंसी दोस्तों तीन बार लगी है ये याद रखिएगा आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ और दोस्तों इमरजेंसी कहां से ली गई है ये ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन से लिया गया है ठीक है जर्मनी कई लोग कहते तो दोस्तों जर्मनी से नहीं ली गई है गवर्नमेंट ये क्या होता है बच्चे क्या करते हैं या फिर अपने दोस्त क्या करते हैं एमरजेंसी पढ़ लेते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है वो आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन दिसंबर 2021 हजार इक्कीस द सेंट्र गवर्नमेंट हैज साइंड पैक्ट विद विच ऑफ द स्टेट टू सेट अप फाइव मोर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इन इन द स्टेट दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ राज्य में पांच और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल जल्दी से तो बताइए महाराष्ट्र महाराष्ट्र कह रहे हैं कुछ लोग गुजरात कह रहे हैं दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र क्या होगा महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस फॉर जग मंदिर एंड जग निवास निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए फेमस है फतेह सागर पिछोला लेक आनंद सागर या फिर जस जसमंद लेक जल्दी से बताइए रहे के सर ऑप्शन नंबर टू कई लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर फोर तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा पिछोला कह रहे हैं सब लोग तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे पिछोला लेक हो। होगा पिछोला ले करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन टैटूइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अपन ने पहले भी किया हुआ है ये दोस्तों टैटूइंग निम्नलिखित में से किस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अभिन्न अंग है भील बैगा मुंडा और कोकना जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से बताएंगे दोस्तों और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों जल्दी जल्दी से चलिए यहां पे कह रहे सर बैगा 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 तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर होगा आपका बैगा ठीक है बैगा इज द करेक्ट आंसर ये कहां कहां पे पे दोस्तों मिलेंगे। पे दोस्तों मिलेंगे मिलेंगे एमपी एमपी में में भील सबसे ज्यादा एमपी में है कहां पे एमपी में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से है तो गोंड भारत देश में सबसे ज्यादा ट्राइब है गोंड सेकंड नंबर पे है दोस्तों भील कौन सी है भील भील सबसे ज्यादा कहां पे एमपी में है दोस्तों मुंडा कहां पे मिलेंगे दोस्तों मुंडा आपको झारखंड तरफ मिल जाएंगे झारखंड कौन का कहां दोस्तों कर्नाटक तरफ कहां पे? तरफ आगे बढ़े चले बहुत बढ़िया अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा नियर विच यूरोपियन कैपिटल वुड यू फाइंड द प्लेस ऑफ वर्सेलेस। दोस्तों वर्षा वर्साए का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है लंदन पेरिस रोम और ब्रुसेल्स जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट से शेयर करेंगे जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है लगता है अभी अब तक आपने शेयर नहीं किया है अब तक तो भैया पांच के ऊपर होने चाहिए थे चलिए कोई नहीं लेकिन जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे पेरिस पेरिस कुछ लोग रोम कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा पेरिस करेक्ट आंसर होगा पेरिस इज द करेक्ट आंसर पेरिस किसकी कैपिटल है दोस्तों फ्रांस की है क्या ठीक है लंडन किसकी है यूके की कैपिटल है क्या रोम किसकी है इटली की है किसकी है, किस है किस? दोस्तों ये किसकी है जल्दी से बताइए बेल्जियम की है किसकी है बताइए यस पेरिस फ्रांस ठीक है जल्दी से बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे कह रहे हैं सर ठीक है बेल्जियम में आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इन नवंबर 2021 ट्वेंटी नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव नवंबर दो हजार इक्कीस में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट कौ, में शामिल हुई है टाटा मोटर्स टीवीएस मोटर्स बजाज ऑटोमोबाइल्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जल्दी से तो बताएंगे दोस्तों फटाफट बताइए भैया करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे कह रहे सर टाटा टाटा दोस्तों करेक्ट आंसर टाटा यहां पर नहीं है टीवीएस मोटर कंपनी है चलिए अगला क्वेश्चन वॉट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू रन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कितनी कार्यस्थक संख्या की आवश्यकता है एक चौथाई दो तिहाई एक तिहाई या फिर एक बटा दस अलोन एक बटा दस कह रहे हैं श्रीनिधि एक बटा दस दिव्या एक बटा दस कोई दो बटे तीन के साथ नहीं जाना चाहता है कोई एक बटे चार के साथ नहीं सभी लोग एक बटे दस तो दोस्तों एक बटे दस करेक्ट है क्या दोस्तों एक बटे दस करेक्ट है ठीक है अच्छा दोस्तों लोकसभा की बात की गई है तो यहाँ पे दोस्तों स्पीकर स्पीकर होते हैं ठीक है कौन होता है भैया स्पीकर होते हैं ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भैया लोकसभा का एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर होना चाहिए तो वो आर्टिकल 93 कहता है कौन कहता है आर्टिकल 93 कहता है दोस्तों सबसे पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो उन्नीस में हुए थे और पहले जो बने थे दोस्तों इसके स्पीकर वो कौन बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर जिनको कहा जाता है ठीक है और अभी कौन है ओम बिरला आगे बढ़े विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है दिग्बोई अंकलेश्वर बॉम्बे या फिर मसीमपुर जल्दी से बताइए जल्दी से फटाफट फड़ से यहां पे कह रहे सर, दिग्बोई दिग्बोई रितिका सिंह ठीक है अलोन ए के साथ जा रहे हैं आ, और कहने जा रहे हैं सुहान बहुत बढ़िया यहां पे कैट आंसर होगा दिग्बोई क्या होगा दोस्तों दिग्बोई सबसे पुराना है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इन प्लेस द सारस आजीविका मेला 2021 हजार इक्कीस वॉज ऑर्गेनाइज दोस्तों सरस आजीविका मेला 2021 हजार इक्कीस में आ, किस स्थान पर आयोजित किया गया था नोएडा दिल्ली अमृतसर और लखनऊ सारस आजीविका दोस्तों नोएडा कह रहे हैं रितिका सिंह कुछ तो कह रहे सर दिल्ली होना चाहिए देखिए चलिए देख लेते हैं यहां पे किसका सही होगा रश्मि कह रहे सर दिल्ली तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर नोएडा वेरी गुड रितिका

थर्टीन फेबर दो हजार इक्कीस मार्क्स द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू तेरह फरवरी दो हजार इक्कीस का सरोजनी नायडू डैश की जयंती थी एक सौ अड़तालीस बावन एक सौ छियालीस और एक सौ बयालीस जल्दी बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू कोई कह रहा ऑप्शन नंबर वन कोई ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़े चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वन फोर्टी टू एक सौ अड़तालीसवा नहीं है ठीक है सरोजनी नायडू दोस्तों ये नाम सुना सुना लग रहा है और नाम सुना सुना लग रहा है इसलिए क्योंकि ये पहली महिला बनी थी भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया था क्या दोस्तों उन्नीस में यही थी क्या दोस्तों जिन्होंने कानपुर में प्रिसाइड किया था यस और नो ठीक है एक सौ बयालीस है दोस्तों एक सौ अड़तालीस नहीं है और दोस्तों इनसे इन पहले किसने किया था दोस्तों इनसे पहले उन्नीस सौ चौबीस को महात्मा गांधी जी ने किया था बेलगांव में कहां पे बेलगांव में और दोस्तों वो एकमात्र कहामात्र था जो कि महात्मा गांधी जी ने किया था आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच सेपरेट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन सा, सा स्थान भारत और छोटा नागपुर पठार को पूर्वोत्तर हिस्से का अलग करता है मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल नायदा फॉल्ट इन द वेस्ट बंगाल, पलामू फॉल्ट इन द झारखंड और बोकारो फॉल्ट इन द झारखंड जल्दी से बताएंगे दोस्तों फटाफट फड़ से करेक्ट आंसर देना है सभी को कुछ लोग मालदा फॉल्ट कह रहे हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मालदा फॉल्ट जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल का वो किसको अलग करता है हिमालयन को अलग करता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू दोस्तों आपको तीन जगह से मिलेगा भैया बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में जो छोटा नागपुर है दोस्तों उसमें आपको मिनरल्स वगैरह बड़ा अच्छे से मिल जाता है ठीक है आगे चलते अगला क्वेश्चन डैश इज द फोकलोर म्यूजियम सिचुएटेड इन गुरुग्राम एक लोकगीत संग्रहालय है जो गुरुग्राम स्थित है श्री कृष्णा म्यूजियम जहाज कोठी जोनल म्यूजियम म्यूजियम और धरोहर म्यूजियम बताइए एक फोक म्यूजियम है यहाँ पर कौन सा लोक लोकगीत संग्रहालय ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहे हैं कुछ लोग नेहा कह रहे सर ऑप्शन नंबर वन सुहान कह रहे सर सी होना चाहिए चलिए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री होगा म्यूजियम यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ये याद रखिए अच्छा दोस्तों गुरुग्राम में ना एक अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है एकमात्र भारत में वैसे भी एक ही मात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो किसका है आई सोलर ए का कहां पर है गुरुग्राम में आगे बढ़े चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द हाइएस्ट अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा निम्न में से कौन सा भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड या नन ऑफ द अबो जल्दी से बताइए दोस्तों दादा साहेब दादा साहब सभी लोग कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड चलिए बिल्कुल यहां पे दादा साहेब बिल्कुल यहां पे बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर क्या है दादा साहेब फाल्के अवार्ड अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा विच ऑफ इज नॉट बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा भारत का संरक्षित जवमंडल नहीं है अगस्तमाला नोकरे ग्रेट निकोबार और ग्रेट हिमालयन बायो रिजर्व नहीं है नॉट ध्यान से पढ़ना दोस्तों जल्दी से बताइए जल्दी से यहां पे कह रहे हैं ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन ग्रेट हिमालय ठीक है अगस्त माले कहां पे मिलेगा दोस्तों केरला में मिलेगा कहां पे मिलेगा केरला में No crack, कहां पे मिलेगा दोस्तों नौकरे no आपको मेघालय में मिलेगा पे मेघालय में और ये अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा ग्रेट सामने ये रहा द ओल्डेस्ट पैटर्न ऑफ द भूमजीज स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन राजस्थान राजस्थान की भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है द जैन टेम्पल ऑफ सिवारी इन पाली डिस्ट्रिक्ट द भंड वार टेम्पल ऑफ रामगढ़ द महानलेश्वर टेम्पल मेनाल सोमनाथ टेम्पल ऑफ डोंगरपुर जल्दी से बताइए दोस्तों दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे कंफ्यूज करने के लिए इसलिए आज मैं आपके लिए एटलीस्ट टेन परसेंट से ट्वेंटी परसेंट ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा होगा यहां पे जैन टेम्पल कह रहे हैं श्रीनदी कह रहे सर ऑप्शन नंबर वन दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन देखिए इसको भी अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे हो ना तो आप समझ जाइए कि आपके एग्जाम अच्छे जाने वाले लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है दोस्तों तैयार हो जाइए अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ भूटान निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है जेमो छैन काम्फू कंगल चमोले हरी या फिर गंगार जल्दी से बताइए दोस्तों एक और आपकी तरफ उड़ता हुआ तेजी से आ रहा है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है यहां पे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ भूटान फोर ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहां पे फोर ऑप्शन अच्छा दोस्तों इसकी हाइट कितनी है सेवन फाइव सेवन जीरो मीटर है लगभग कितनी है सेवन फाइव सेवन जीरो मीटर है गांखर प्यसम की ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा हु फॉलोइंग इंडियन लीडर्स द दिपो फ्रॉम पटना ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन निम्नलिखित में से कौन भारतीय अठारह सौ 1857 के विद्रोह के दौरान पटना से सिपाहियों का नेतृत्व किया था पीर अली मौलवी अब्दुल्ला और मंगल पांडे जल्दी से बताइए फटाफट बताएंगे बताएं यहां पे कह रहे सर ए और बी दोनों होने चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं सी होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों सी मतलब एंड तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है पीर अली क्या पीर अली अच्छा दोस्तों यहाँ पे कई बार आपसे ना अठारह की क्रांति के बारे में पूछ लिया जाता है जैसे कि वो पूछते है किस किसने लीड किया था जैसे कि बिहार को भैया किसने लीड किया था कुंवर सिंह ने बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों पहले ठीक है कुंवर सिंह ठीक है नाना साहब ने किसको किया था दोस्तों नाना साहब ने किया था कानपुर को किसको दोस्तों कानपुर को किया था ठीक है हजरत बेगम महल ने किसने बेगम महल ने किसको किया था दोस्तों लखनऊ को लीड किया था किसको दोस्तों लखनऊ को लीड किया था ठीक है ग्वालियर को किसने लीड किया था दोस्तों ग्वालियर को लीड किया था यहां पे तात्या तोपे ने किसने तात्या तापे ने झांसी को किसने किया था भैया लक्ष्मीबाई जी ने ठीक है और दिल्ली को किसने किया था दोस्तों दिल्ली को किया था बहादुर शाह ने ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन दिसंबर 2021 कब दो हजार इक्कीस किस राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग का गठन किया उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश आसाम और आंध्र प्रदेश फटाफट बताएंगे दोस्तों और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से यहां पे कैंसर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए टू 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 हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों शिमला भी है और धर्मशाला भी है बाकी आप बताइए कब कहां पर होती है गर्मियों में कौन सी होती है और ठंडी में भैया कौन सी होती है ठीक है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको क्या मिलेगा कौन सी रिवर निकलती है वहां से सतलज रिवर निकलती है क्या दोस्तों जल्दी से बताइए जिसके ऊपर क्या बना हुआ है भाकरा नांगल डैम भाकरा नांगल इसी पे बना है ना ठीक है दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे पासिस मिलेंगे रोहतांग बारा लच्छा शिवकिला ठीक है आगे बढ़े वेरी गुड बहुत बढ़िया विंटर में शिमला समर में कहीं उल्टा तो नहीं हो गया जल्दी से देख लेना सभी लोग बोले सर डाउट में तो आ गए आप बोले लेकिन एक बार चेक करिए चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में संबंधित नहीं है अभोर्स सांगतान भील्स नॉर्थ से कौन सी ट्राइब संबंधित नहीं है ये पूछा गया है आपसे फटाफट फड़ बताइए यहाँ पे भील कह रहे हैं भील भील होना चाहिए सर भील एमपी में है ठीक है भैया सेंट्रल इंडिया में है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भील इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है दो वर्ष के लिए तीन वर्ष के लिए चार वर्ष के लिए या पांच वर्ष के लिए जल्दी से बताइए पांच 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 कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका पांच वर्ष अच्छा दोस्तों पंचायत की बात की गई है तो पंचायत कौन से संशोधन से आया था तिहत्तरवे संशोधन से आया था ठीक है कब आया था उन्नीस में आया था ठीक है कौन से भाग में दोस्तों तो ये भाग नौ में है किसमें दोस्तों भाग नौ में है ठीक है कौन से अनुसूची में है तो शेड्यूल इलेवन में किसमें दोस्तों शेड्यूल इलेवन में है कौन सी कमेटी भैया लाई थी बलवंत राय कमेटी ठीक है बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ठीक है ये याद रखेंगे कितनी भैया थ्री टीयर सिस्टम है अपने इंडिया में थ्री टीयर सिस्टम है सबसे पहले पंचायती सिस्टम कहां पे आई राजस्थान में आई पे दोस्तों राजस्थान में आई राजस्थान में भी कहां पर दोस्तों नागौर जिले में कहां पे नागौर जिला ठीक है आगे बढ़े चले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा द फोर्ट ऑफ मकदई इज लोकेटेड इन मकदई का किला कहां स्थित है अशोकनगर पन्ना हरदा और शिवपुरी जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से बताएंगे दोस्तों यहां पे जल्दी जल्दी से कुछ लोग कह रहे सर ऑप्शन नंबर थ्री होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर टू होना चाहिए यहाँ पे कह रहे हरदा 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदा और इसको बनवाया किसने था दोस्तों शाह किसने बनवाया था ये याद रखिएगा ठीक है ठीके? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड भैया इनमें से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है ठीक है लेक तंगानिका ओ हिंग सान मार्टिन लेक लेक वोस्तोक लेक बैकाल जल्दी से तो बताइए

भारत का संविधान सबसे पहले कब बना गया था भैया ये उन्नीस सौ तीस इकतीस और उनतीस जल्दी से बताइए डी ऑप्शन कह रहे हैं उन्नीस सौ अट्ठाईस कह रहे हैं कुछ लोग जल्दी से बताइए सबसे पहली बार ड्राफ्ट कब किया गया था

किसके करते थे बीएन राव की तारीफ करते थे क्यों करते थे क्योंकि भैया ये एक बहुत बहुत जाने माने और बहुत दिमागदार आदमी एडवाइजर एडवाइजर थे 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 दोस्तों ठीक है याद रखिएगा सात मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ड बिटवीन हेमू एंड डैश पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और डैश के बीच में लड़ा गया था औरंगजेब नादिर शाह अकबर और तैमूर जल्दी से तो बताइए किसके बीच लड़ा गया था अकबर अकबर कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री होगा अकबर हालांकि अकबर नहीं लड़ा था भैया वहां पे इसको टीम को कौन लीड कर रहा था भैया मानसिंह कर रहे थे कौन मानसिंह कर रहे थे ना ठीक है याद रखिएगा और दोस्तों सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था दूसरा कब हुआ था 1556 में हुआ था ठीक है तीसरा कब हुआ था सत्रह में हुआ था याद रखिएगा तीन पानीपत के युद्ध दो तर्रायन के युद्ध हुए थे ग्यारह में और ग्यारह में तो ये भी मत भूलिएगा आगे बढ़े क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा मैक्स अ विक्ट्री इन इटली डिफीटिंग होम एट एमिलिया रोमगना ग्रैंड प्रिक्स इन अप्रैल 2021 भैया अप्रैल 2021 में मैक्स वेस्टरपेन ने एमिलिया को हराया था ग्रैंड प्रिक्स में किसको हराकर इटली के में एक जीत दर्ज की लेविस हेमिल्टन को सेबेस्टियन वेटेले को, को या चार्ल्स चार्लैर्क को किसको हराया है ये पूछा गया है Hamilton, Hamilton कह रहे हैं दोस्तों सभी लोग तो करेक्ट आंसर क्या चलाते है लेविस हैं मर्सिडीज क्या दोस्तों मर्सिडीज चलाते हैं भैया है, किसकी तरफ से यूएसए की तरफ से ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है झांसी पटियाला इम्फाल और गुवाहाटी फटाफट बताइए यस लिविस समिल्टन को हराया था दोस्तों मर्सिडीज चलाते हैं यूएसए की तरफ से फटाफट फड़ बताएंगे यहां पर सर टू 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 ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू पटियाला ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एस पर टॉम्स टॉम्स 2021 ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज इन फरवरी 2022 में रिलीज हुई है 2021 की ठीक है व्हिच सिटी हैज बीन Ranked as the fifth most congested city in the world in 2021 फरवरी 2022 में जारी टॉम टॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस शहर को 2021 में दुनिया के पांचवें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है अहमदाबाद कोलकाता मुंबई और चेन्नई बताइए कहां पर भीड़ है लोग कह रहे सर मुंबई में कुछ लोग कह रहे सर कोलकाता में दोस्तों सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है सबसे ज्यादा भीड़ है मुंबई में ठीक है मुंबई में याद रखिएगा क्राउडेड सिटी है भैया सिटी सिटी ऑफ ऑफ सेवन सेवन इसको क्या कहते हैं दोस्तों आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव बीन गिवन द राइट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली के और पुडुचेरी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है 70, second, 56th, यहाँ पे सब कह रहे सर 56th होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे सर सत्र सत्तर होना चाहिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है सेवेंटी दोस्तों यहां पर आर्टिकल पूछा है कि क्या पूछा है देखिए पहले ध्यान से देखिए अमेंडमेंट पूछा हुआ है ठीक है सिर्फ सब लोग फिफ्टी सिक्स ये लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट को भैया इलेक्शन भैया यहाँ पे पढ़े, पहले क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, बयालीसवा दिया हुआ है इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ठीक है ये आपके दोस्तों सीजीएल में पूछ रहा था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके सीजीएल में पूछ रहा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत सिंपल सा है लेकिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भैया बहुत अच्छे लेवल की पूछी थी बाकी अगर हिस्ट्री पॉलिटी वो अलग बात की जाए तो वो थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं एवरेज था ठीक है अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है मार्स अर्थ यूरेनस और नेपच्यून बताइए सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे नेपच्यून कह रहे हैं श्वेता आलोक कह रहे हैं वन होना चाहिए रितिका कह रहे हैं सर अर्थ होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट क्या है करेक्ट आंसर है मार्स क्या है दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर है? अच्छा दोस्तों मार्स अच्छा ना ये कैसा प्लेनेट है रेड प्लेनेट है कैसा दोस्तों रेड प्लेनेट है ये याद रखिएगा मार्स जो है वो रेड प्लेनेट है अर्थ कैसा है ब्लू प्लेनेट है कैसा दोस्तों ब्लू प्लेनेट है ठीक है यूरेनस आपको दोस्तों थोड़ा सा ग्रीन प्लेनेट दिखेगा नेपच्यून दोस्तों कोल्डेस्ट प्लेनेट है कैसा है दोस्तों कोल्डेस्ट ठंडा है भैया सनरेस जाएगी नहीं उतना दूर है ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आप पास ये रहा डिजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चित्तौड़गढ़ किले का किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है 2011, 13, 10 और 18 जल्दी से बताइए चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं और दोस्तों जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे यहाँ पे कह रहे सर 2011 2011 कुछ लोग कह रहे कुछ लोग दो हजार तेरह दोस्तों आँगा आँगा यहां पे क्या होगा 2013 क्या होगा दोस्तों 2013 दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर दी जाती है अभी अपने यहां पे कितनी हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट छठा होमवर्क दोस्तों छठवा होमवर्क आपका कि अपने यहां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई क्या चालीस हो गई है क्या या चौलीस हो गई है ये आपको बताना है चालीस चौवालीस अड़तीस छत्तीस ठीक है सबको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में छह होमवर्क है छह होमवर्क को आसानी से देखिए आप क्लास होगा कमेंट बॉक्स को ओपन करिएगा जितने आपने अभी होमवर्क मिल रहे वो आपने नोट डाउन कर ही ले होंगे उसको फटाफट से लिखिएगा वहां पे जिससे जो दूसरे भी आए ना वो आपका आंसर देखे एटलीस्ट और जिसका सबसे अच्छा आंसर आपको लगे उसको आप लाइक भी कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मून वॉक द फेमस डांस मूव एसोसिएटेड विद विच डांसर भैया प्रसिद्ध डांस मूव मूव मून वॉक किस डांसर से संबंधित है माइकल जैक्सन एडले, बेरियन एडलेमरियान एफरेडेरे जल्दी से बताइए ये मून वॉक अपन को तो अभी नहीं है फिर भी मून वॉक कर लेते थोड़ा बहुत है ना करना चाहिए सीखना चाहिए माइकल जैक्सन माइकल जैक्सन करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा माइकल जैक्सन क्या होगा दोस्तों माइकल जैक्सन यहां ये मून वॉक से मेरे को याद आया दोस्तों मून की हाईएस्ट पीक क्या है जल्दी से बताइए मून की हाईएस्ट पीक क्या है इससे याद आया मुझे कि मून की हाइएस्ट पीक फटाफट से बताएंगे हाँ बस अब गाना गालीजे सब लोग डेंजरस है ना चले फटाफट फड़ से बताएंगे यहाँ पे ओलंपिया नहीं है अभी तक किसी का नहीं आया मतलब कंफ्यूजन लग रहा है हाँ किसी ने तो करेक्ट आंसर दिया सुहान ने करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड सुहान मोन्स हाईगेन क्या दोस्तों मोन्स हाईगे जो है इसकी पीक पॉइंट है ठीक है मोन्स हाइगेन याद रखिएगा आगे बढ़े अगला क्वेश्चन द डोकला सोहोर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रिलेटेड टू द डैश ट्राइब भैया डोकला सोहोर प्रशासन प्रणाली डैश किस जनजाति से संबंधित है खरिया संथल मुंडा और उन जल्दी से बताइए यस हाइगन से याद कर सकते हो आप यहाँ पे कर, संथल बोल रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका खरिया दोस्तों हालांकि ये भी आपको झारखंड उड़ीसा वाले एरिया में ही मिलेगा कहां पे झारखंड उड़ीसा ठीक है संथल जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब है दोस्तों झारखंड की मुंडा भी आपको कहा मिलेगा झारखंड में ठीक है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग रिवर दोस्तों आपके सामने दिया है महानदी कृष्णा पेरियार विच ऑ अब द रिवर्स फ्लो कट्स थ्रू द ईस्टर्न घाट भैया निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए महानदी कृष्णा पेरियार उपरोक्त में से कौन सी नदी नदियां पूर्वी घाट से होकर बहती है वन टू टू थ्री वन थ्री और वन टू थ्री पूर्वी घाट से होकर बहती जल्दी से बताइए वन टू कह रहे हैं दोस्तों बाकी लोग क्या कहते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन एंड टू क्या होगा वन एंड टू अच्छा दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है भैया यह है अपना अर्थ यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह ट्रॉपिक ऑफ कैपरकॉन ऐसी कौन सी नदी है जो दो बार कट करती है मतलब एक पॉइंट पे कट करी फिर दोबारा कट की भारत में पूछ रहा हूं माही नदी ठीक है माही नदी बहुत बढ़िया आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ अगला सवाल व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे दो हजार इक्कीस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दो का विषय क्या है द पावर ऑफ द एडोलसेंट गर्ल विजन फॉर 2030 डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन माय वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर इनोवेटिंग फॉर द गर्ल्स एंड एजुकेशन जल्दी बताइए जल्दी से बताएंगे थ्री ऑप्शन कहना चाह रहे हैं माय वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर दोस्तों 2021 का पूछा गया है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन पावर एडोल्स एंड ट्वेंटी थर्टी दो हजार इक्कीस का पूछा गया है, है ठीक आगे बढ़े यहाँ पे सी ऑप्शन कह रहे हैं कोई डी ऑप्शन कह रहे हैं भाई करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 2021 पूछा गया ना तो दोस्तों 2021 का डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा दोस्तों टू होगा ऑप्शन नंबर बी बी वाले सही है ठीक है यहाँ पे, sorry, generation, generation होगा. ये याद रखिये ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा ऑप्शन बी दो का पूछा गया है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन विच ऑफ पारसीज निम्नलिखित में से कौन सा पारसी द्वारा मनाया जाता है एकदर नवरोज अवेस्ता या फिर फेस्टिवल बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों ठीक है पिछले का यहां पर नवरोज 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 कह रहे हैं आपका करेक्ट आंसर होगा आपका नवरोज क्या होगा नवरोज आगे बढ़े अगला क्वेश्चन इज नॉट मैच करेक्टली भैया ऑल्ट प्लस ई लगाओगे तो एडिशन ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम आ जाएगा आपके पास अगर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी लगाओगे तो इन सर्ट द करंट डेटा आ जाएगा आपके पास कंट्रोल प्लस के करोगे तो कट आ जाएगा कंट्रोल प्लस तो तो चेक तो नहीं करने लगे ना कि फटाक से ऑल्ट प्लस ई दबाकर देख लू क्या हो रहा है ऑल्ट प्लस ई जल्दी से कर लू ठीक है फटाफट बताइए क्या हो रहा है सी ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन ठीक है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय देश को एक हजार जीरो की भूमि कहा जाता है स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे और एस्टोनिया जल्दी से बताइए और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे और क्या करना है शेयर करना है फटाफट से बताएंगे ठीक है चलिए बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फिनलैंड दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहां पर इतनी झीलें हैं कि 26 पीपल के बीच में एक झील है ऐसा बोला जाता है ठीक है अब आप देख सकते हो एक झील 26 पीपल को दे दो दूसरा झील 26 पीपल को ऐसा माना जाता है ठीक है फिनलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों हैलेंस है क्या दोस्तों है स्वीडन की कैपिटल क्या है दोस्तों स्टॉक है क्या जल्दी से बताए स्टॉक नॉर्वे की क्या है दोस्तों ओसलो ऑस्ट्रेलिया की क्या है तलिन ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फाउंड भैया निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है ग्रासलैंड मॉनसून बायोम टैगा बायोम या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बायोम जल्दी से बताएंगे और दोस्तों फटाफट से लोग 600 कर देते हैं सेंचुरी मतलब 600 लाइक पे आ जाते हैं मतलब 6 सेंचुरी हो जानी चाहिए फटाफट बताइए डी ऑप्शन डी ऑप्शन चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर इक्वेटोरियल बायोम क्या होगा दोस्तों इक्वटोरियल बायोम यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर आगे बढ़े वेरी गुड यहां पे एफ नाइनटीन ने करेक्ट आंसर दिया है जी ने करेक्ट आंसर दिया है निशा बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन द लॉन्ग रन द फिक्स कॉस्ट बिकम लंबे समय के स्थिर लागत क्या बन जाती है मनी कॉस्ट रियल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट फटाफट फड़ बताइए दोस्तों चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पे कह रहे डी ऑप्शन होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे कर, अरे करेक्ट आंसर आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा कालिदास एकेडमी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कालिदास एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है उज्जैन भोपाल ग्वालियर और रतलाम जल्दी से दोस्तों कहां पर है कालिदास एकेडमी जल्दी से बताइए ग्वालियर कह रहे हैं कई लोग बी का ऑप्शन कई लोग डी ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है करेक्ट आंसर है उज्जैन क्या दोस्तों उज्जैन इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े अगला प्रश्न मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू भैया मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है चेंज इन क्वांटिटी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल बेनिफिट फॉर द लास्ट यूनिट प्रोडक्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय द टोटल बेनिफिट फॉर द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू ठीक है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ फॉलोइंग वॉज सेंटेंस टू दैथ फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दोस्तों निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र मामले में मृत्यु दंड दिया गया था भगत सिंह को खुदीराम जी को विष्णु प्रिंगले या फिर परमानंद जल्दी से बताइए दोस्तों एक बार जोरदार शेयर मारेंगे और क्या करेंगे लाइक करेंगे जिन्होंने नहीं किया है फटाफट फड़ से दोस्तों यहां पे सब कह रहे सब खुदी राम, खुदी राम। क्या यहां पे? प्रिंगले, सी चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में तंगस्तन रिजर्व पाया जाता है आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों गलत मत दीजिएगा दरीबा दिगाना सोनू और सिघना ठीक है जैसे दोस्तों आपको बॉक्साइड कहां पे मिलता है जैसे उड़ीसा में मिलता है ठीक है उसी तरीके से आपसे पूछा गया कि राजस्थान में टंगस्टन कहां पे मिलता है यहां पे कह रहे सर ऑप्शन बी होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए तो देगना कह रहे हैं दोस्तों चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न आपका सही है या गलत है तो दोस्तों यहां पर करेक्ट है देगना क्या बात है भैया यहां पर बिल्कुल सही आंसर है तो दोस्तों ओ, हो हो हो, हो। यहां पे दोस्तों समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने तीन घंटे की क्लास की है दोस्तों तीन घंटे की क्लास मतलब सारा रिवीजन करने का कोशिश किया है और अभी सबके एग्जाम से तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा पढ़ाई करिएगा और दोस्तों इसकी पीडीएफ कहाँ पे कहां मिल जाएगी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों कहां पे जल्दी से बताइए किसको किसको पता है भैया पीडीएफ कहां मिलेगी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जस्ट मिनट आपको पी डी एफ मिल जाने वाली है सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा आपको सर्च क्या क्या करना है टेलीग्राम पे गौरव मौर्य सर बुक क्या सर्च करेंगे दोस्तों गौरव मौर्य सर बुक अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है क्विजन मिल जाते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपस में आप डिस्कस कर सकते हो ठीक है तो ये आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है गौरव मौर्य टेक्स बुक और मैं आपको लिंक भी दे देता हूं ठीक है जिससे आपको परेशानी ना हो मैं लाइव चैट पे आपको लिंक दे देता हूं जस्ट अ मिनट मुझे सिर्फ दस सेकंड दीजिए यस आपके लिए ये मैंने भेज दी भैया आपको चैट पे आप इसको ठीक है या फिर आप सर्च भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने बहुत सारी लिंक भेज दी है और दोस्तों अभी तो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपके सी एच एस एल के एग्जाम्स है एम टी एस का भी है सिलेक्शन आपका जो फेज टेन है एस एस सी सिलेक्शन फेज टेन वो भी आ चुका है तो उसकी भी तैयारी करनी है ठीक है और यहाँ पर रेलवे आई टी पी सी की एग्जाम है तो दोस्तों टेस्ट आप जरूर लगाइए मॉक लगाइए मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट और मॉक कैसे अवेल करना है दोस्तों एक बार फटाफट से देख लेते हैं देखिए आपको जाना है यूट्यूब पे कहाँ पे दोस्तों यूट्यूब पे चले जाइए ठीक है यहाँ पे कहाँ जाएंगे दोस्तों YouTube पे जाएंगे चलिए YouTube पे चले जाते हैं और YouTube पे किसी भी वीडियो पे चले जाइए टेक्स्ट बुक के अपनी लाइव क्लास चल रही है अपन इसी पे चलते हैं नीचे आएंगे दोस्तों और जैसे ही नीचे आएंगे आप दोस्तों जूम कर देता हूँ आपको यहाँ पे सबसे पहले तो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से क्या करेंगे थम्सअप बटन दबाएंगे फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक लिंक मिल रही है टीचर लिंक उसको क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा ठीक है वो नए पेज में आपको देखिए सारी डिटेल मिल जाएगी मंथली टेक्स बुक टू नाइन नाइन एटीन मंथ थ्री नाइन नाइन और लाइफ टाइम मिल रही है आपको फाइव नाइन नाइन अब दोस्तों हम इसके साथ करेंगे गेम गेम गेंग करेंगे मतलब कोड लगाएंगे अप्लाई कूपन कूपन क्या लगाएंगे दोस्तों गेम पास जी ए एम पी ए, ए, ए एस एस इसको अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे मंथली पास है टू नाइन नाइन से वो टू सेवन जीरो हो गया जो अठारह महीने थ्री नाइन नाइन था वो थ्री सिक्स जीरो हो गया है जो फाइव था वो फाइव हो गया है और दोस्तों यहाँ पर एक नहीं आपको 500 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी करने का मोल रहा है मतलब एसएससी सीएचएसएल नहीं सीजीएल एमटीएस एसएससी सिलेक्शन फेज डिफेंस यहाँ पे स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो चालीस हजार टेस्ट हैं ग्यारह हज़ार प्रीवियस ईयर और यहाँ पे तेरह लाख से भी ज्यादा लोग एनरोल कर चुके हैं तो आप भी अपनी तैयारी को दुगनी कर सकते हो और यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो जिनको यहाँ पर अभी तक नहीं किया है बाय वहां से बाय करके कोड दोस्तों कोड जरूर लगा लीजिएगा कोड अगर डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे गैम पास लगा लीजिएगा और दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा है सेशन तो क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलेगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सारे अप टू डेट मिलते रहे तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा पढ़ाई करते रहेगा और अपनों का ख्याल रखेगा आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है जय हिंद जय जह भारत